सो आई लिव इन NCR, यू नो आई लिव इन फरीदाबाद. फरीदाबाद व्हिच इज लाइक इंडिया का पावर सेंटर है. पावर आ रहा है तुम्हारे? पहली बार जब लोन लेने के लिए गया तो बैंक को दो गारंटर देने पड़े थे मेरे को 5 लाख रुपए के लिए. अब जैसे जहाँ पे खड़े हमारे बैंक लड़ रहे कि दो बैंक हमसे लो करके. आई ऑलवेज से कि जिसके पास पैसा है उसको ही पैसा दिया जाता है, जिसको चाहिए उसको दिया ही नहीं जाता बेसिकली. आई डिड ए न्यूट्रिशन का कोर्स, देन आई डिड कोर्स ऑन स्लीप रिकवरी स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन आई बिकेम ए लेवल टू कोच. लेवल टू कोच इज व्हेन यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग फिजिकल हेल्थ, यू आर टॉकिंग डीप हेल्थ. आप बेईमानी नहीं करते या आप चोरी नहीं करते, ऑनेस्टी हो गई. लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप चोरी नहीं करते, दैट इज इंटेग्रिटी. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू ब्रूटली ऑनेस्ट. जैसा मैंने आपको बताया था कि बस ऐसे ही जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है और क्रिएटिवली अपनी ज़िंदगी को बदला है, अपने आसपास की ज़िंदगी को बदला है, उन लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा भी लगता है. एंड दैट्स व्हाई आई डू दिस पॉडकास्ट वेयर आई गेट टू मीट पीपल. आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि एवरीबडी इज़ नाउ एन इन्फ्लुएंसर, सो आई लाइक टू टॉक टू पीपल हु आर जेन्युइनली इन्फ्लुएंसिंग विदाउट कॉलिंग देमसेल्फ्स इन्फ्लुएंसर्स. और ऐसे में आई फाउंड वन पर्सन ऑन सोशल मीडिया, हिज नेम इज संदीप मल. हाय संदीप. कैसे? हाय विवेक. संदीप, मैं इसलिए मैंने तुमसे कहा कि बातचीत की जाए, ऑब्वियसली दिस बुक वील टॉक अबाउट दिस, बिकॉज वॉट यू हैव बीन राइटिंग हैज़ बीन रेजोनेटिंग विद मी अ लॉट. और मैंने कहा इस माहौल में कंसिस्टेंटली बिना अटेम्प्ट हुए यू हैव बीन इंस्पायरिंग पीपल बाई प्रजेंटिंग योर ओन एग्जाम्पल. कई लोग तो ऐसे हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये करो वो करो, बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम वाले. तुम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, उसके बाद तुमने अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद यू आर ऑल्सो एन अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. नाउ यू हैव ऑल्सो बिकम एन ऑथर एंड यू हैव रिटन दिस वंडरफुल बुक कॉल्ड फाइंडिंग द ओएसएस. इसमें हालांकि मेरा भी कमेंट है. व्हेन यू सेंड मी दिस बुक दैट टाइम, जब आपने मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी मुझे, छपी भी नहीं थी किताब, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि एक दिन आई हैव अ लॉन्ग चैट विद यू. टेल मी व्हाट्स योर स्टोरी. थैंक्स फॉर हैविंग मी विवेक हियर. सो माय बेसिकली आई एम बॉर्न टू ए वेरी कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली. और कहाँ? बंगाल में हुए थे ना पैदा? हाँ. सो माय पेरेंट्स, माय एंसेस्टर्स यूज्ड टू, यू नो, दे मूव्ड फ्रॉम राजस्थान टू बंगाल ऑलमोस्ट लाइक 150 years बैक. सो आई वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल. And class 4th से I was in boarding school. So my 10th तक boarding किया, फिर then I came to Nagpur for my engineering. And वापस जब नागपुर से पढ़ाई ख़त्म हो गई, and the family business that we had was of food grains, and so neither was my dad interested that I get into that. So trading basically. हाँ, trading. So वो था, and वो उस समय क्या था कि वो बड़ा जमाना जो था वो बड़ा लाइसेंस राज वाला टाइम था. आई एम टॉकिंग 80s, यू नो, व्हेन कुछ भी आपको सामान रखना है तो यू नीडेड अ लाइसेंस एंड यू नो ट्रेड करना है. देयर वाज लॉट ऑफ लाइक बिजनेस वाज नॉट लाइक गवर्नमेंट डज नॉट वांटेड डिडंट वांट दैट यू नो कि आप बिजनेस करें टाइप्स. इफ यू द लॉज वेयर सो स्ट्रिंजेंट एंड स्कार्सिटी का जमाना था, सो दैट ऑल रेगुलेशंस वेयर सो एंटी बिजनेस दैट यू नो डैड डिडंट वांट मी टू गेट इनटू दैट ट्रेडिंग बिजनेस. एंड नाइदर मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं दुकान में जाके बैठूँ. इंजीनियरिंग करके आए हैं अब तो आप, उस जमाने में लाइक इंजीनियरिंग वॉज गुड, लाइक यू नो कि आप पढ़े लिखे जाने जाते थे. तो स्टार्टेड डूइंग 2-3 नए नए काम शुरू करने की कोशिश की, फेल हो गए, नहीं चले. वे एंड ऑफ टाइम आई से मैंने उस, आई मीन आई डेवलप्ड ए सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग वे बैक इन 89, जब कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क से आपको बूट करके चालू करना पड़ता था. 90s की बात होगी ना? 89, आई एम सेइंग लेट 80s. सो आप फ्लॉपी ड्राइव से ऑन करते थे बूट करने के लिए, फिर उसी ड्राइव में वापस दूसरी फ्लॉपी लगा के सॉफ्टवेयर चलाते थे, फिर तीसरे से डाटा. सो देयर वाज टिपिकल उस जमाने में आई वांटेड टू डेवलप एन यू नो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन, मतलब आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सके उसके लिए. एंड मैं एक बार, मेरा आई स्टिल रिकलेक्ट, आई वेंट टू वन ऑफ दिस, उस जमाने में लॉयर्स होते थे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, तो मैं उनके पास गया था. हमारे पुरुलिया में एक लॉयर थे, उनके पास गया था कि मेरे को कुछ 2-4 अकाउंट आप दीजिए, हेल्प कीजिए, एक नया मैं ये करना चाह रहा हूँ. तो उस जमाने में लोग मुनीम रखते थे खाता लिखने के लिए दुकान वाले.
सो वो बोले कि भाई हमारे मुनीम जो रहते हैं ना वो बाजार से पान भी ले आते हैं, चाय भी ले आते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर लेके आएगा क्या? आई मीन दे आई मीन इट वाज लाइक यू नो कि कंप्यूटर इज अ फेलियर थिंग, इट्स नॉट गोना यू नो हैपन बिकॉज वो ये मल्टीटास्क नहीं कर सकता टाइप टाइप. मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने आंखों से देखा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन लोगों ने कंप्यूटर के अगेंस्ट प्रोसेशंस निकाले थे, प्रोटेस्ट की, कलकत्ता के वीडियोस. अभी मैं रिसर्च कर रहा था अपनी फिल्म के लिए, तो उसमें मुझे फोटोज और वीडियोस मिले और न्यूज़पेपर मिले कि उन लोगों ने कंप्यूटर गो बैक, जैसे वो था नहीं कोरोना गो बैक, ऐसे कंप्यूटर गो बैक का उन्होंने आंदोलन किया था. वो एक्चुअली उस समय था ही ऐसा, बैंक वाले स्ट्राइक करते थे, इंश्योरेंस वाले, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, नई टेक्नोलॉजी से लोग जल्दी डरते हैं. सो प्लस जॉब चला जाएगा, यू नो दैट फियर इज ऑलवेज देयर कि जॉब चला जाएगा. सो दैट वाज देयर. सो वो नहीं चले because I couldn't generate enough business for myself. Plus, computer भी इतने उस समय के ऐसे होते थे कि आपको AC में रखना है, चप्पल पहन के नहीं जाते, डस्ट नहीं लगना. आई मीन बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ पे था भी नहीं ऐसा. सो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी यहाँ फरीदाबाद में लगाया, वहाँ पे एक ट्रैक्टर यूनिट था, तो दे वर लुकिंग फॉर एंसिलरी यूनिट्स की ट्रैक्टर के प्रोडक्ट्स बनाए करके. सो वो एक मौका लगा वो फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू प्लस रिलेटिव्स के थ्रू. सो फरीदाबाद आई मूव टू फरीदाबाद एंड फिर पहले इनिशियल यू नो 2-3 साल उनके साथ काम करना शुरू किया, बट इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि उनकी मदर यूनिट ओनली क्लोज डाउन, दे कुडंट सक्सीड. सो अगेन आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन, यहाँ पे जहाँ पे कोई काम नहीं था टाइप्स. देन अ फैमिली फ्रेंड हेल्प्ड अस यू नो कि आप एक कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करो फॉर अमेरिकन मार्केट. सो डैड्स फ्रेंड ही लिव्स इन US एंड उन्होंने बोला एक ट्राई करो एक बार ये प्रोडक्ट. वो हमारे को कुछ उसके बारे में पता नहीं था. सो वी स्टार्टेड मेकिंग दैट प्रोडक्ट. इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एक्चुअली एंड ही 2 पीस सैम्पल हमने किस तरीके से बना बनू के हमने जुगाड़ करके भेज दिए, और तब क्वालिटी का कल्चर भी नहीं था यहाँ पे. वो सैम्पल अप्रूव हो गए तो उन्होंने एक हमको एक ट्रायल ऑर्डर दिया 6,000 पीस का कि आप ये 6,000 पीस बना के दो. तो 2 महीने का टाइम था हमारे पास, हमने उसकी जगह पे 8-9 महीने लग गए हमको 6,000 पीस बनाने में. एंड वो रोज़ उनका प्रेशर आता था, कहाँ गया माल आप, यू आर गोइंग टू शिप इट लाइक से फेब्रवरी एंड अक्टूबर हो गया, आपने अभी तक माल नहीं. विच ईयर इज दिस? दिस इज आई एम टॉकिंग 94. सिविलाइज हो गया था इंडिया. हाँ 91 से वो हुआ था शुरू. द होल आइडिया ऑफ गेटिंग टू एक्सपोर्ट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन. जब शुरू हुआ डॉलर नहीं थे यहाँ पे. सो डैड इज दैट सब्सिडी वगैरह भी थी ना उसमें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स नहीं था. दैट वॉज द बिगेस्ट प्लस. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो डैड बींग दैट प्री इंडिपेंडेंस एरा टाइप, सो उनको बड़ा ये था कि भाई कुछ ऐसा बिजनेस करो जो फॉरेन एक्सचेंज लेके आए, देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी है. सो दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ स्टार्टिंग विद एक्सपोर्ट्स की जो कोशिश यही थी कि हमको फॉरेन एक्सचेंज कैसे लेके आ सकते हैं. उस समय हमने गोल्ड रखा था गिरवी एंड ऑल दोज थिंग्स इंडिया वॉज गोइंग थ्रू 91-92 में जब मनमोहन सिंह जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर. सो दैट सो वो बनाया हमने पीस. जब हम अब उनका इतना प्रेशर था कि मैंने 15 दिन पहले उनको फैक्स कर दिया इनवॉइस पैकिंग लिस्ट. सो आप छोटा कार्गो भेज रहे हैं LCL इज गोइंग टू टेक 6-8 वीक्स. तो 6-8 हफ्ते में और 10 दिन एक्स्ट्रा पता ही नहीं चलेगा. मैं जैसे अगर मेरा 15 मई को से शिपमेंट जाना है तो मैंने 1 मई को उनको फैक्स कर दिया कि शिपमेंट चला गया. सो उस ज़माने में ऑनलाइन इंटरनेट ट्रैकिंग वैकिंग कुछ था नहीं. और जब फाइनल पैकिंग कर रहे थे तो उसमें मेरा जो बहुत छोटी सी टीम थी, 5-6 लोगों की टीम थी, एक बहुत छोटा सा हार्डली 800 से 1,000 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप था जहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी. वो बंदा जो चेक करता था उसने आगे बोला साहब इसमें 400 पीस रिजेक्ट है, उसका कोई होल था वो शिफ्ट हो गया. तो आई हैड नो चॉइस. मैंने तो उनको भेज दिया था माल, 6,000 पीस का इनवॉइस भेज दिया. अब मैं 5,600 नंबर्स नहीं भेज सकता एक तो, और मेरे पास 400 पीस अगर और बनाने जाऊँगा तो मेरे को और 15 दिन लगेगा, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं. तो मैंने बोला तू एक बॉक्स में वो 400 पीस डाल के भेज दे. सो रिजेक्ट मटेरियल मैंने 6,000 पीस में से 5,600 ओके थे, 400 पीस रिजेक्ट थे. एंड मेरे को उसका एप्लीकेशन भी नहीं पता था कि वो किस लिए प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है. सो जब वो वहाँ पहुँचा 2-1 महीने के बाद, शिपमेंट 2-2.5 महीने में जब पहुँचा, एंड दे पुट इट इन ए मशीन, ऑटो मशीन पे जाता था. सो हर 5वां 7वां पीस जो है वो मशीन स्क्रैप फेंक देती थी कि उसमें फिट नहीं हो रहा, वो होल शिफ्ट था उसमें. सो उन्होंने 1-2 घंटा उस पर वेस्ट करने के बाद पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दिया. एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि व्हाट द हेल हैव यू डन, लाइक यू नो आप 8 महीना लगाया और आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं. आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, आई सेड कि सी ये प्रॉब्लम हुई एंड मैंने आपको पहले इनवॉइस भेज दिया. और उसके बाद अभी मेरे को बाद में पता चला कि ये 400 पीस जो है ये इसमें ख़राब है, तो मैंने उस पर डाल के भेज दिया. दैट वॉज माई बिगेस्ट ब्लंडर. एंड उस समय फेरा के लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट थे, लाइक इफ़ यू शिप द मटेरियल पेमेंट नहीं आता था तो आपको ब्लैक लिस्ट हो जाते थे. अच्छा.
सो दैट वॉज लाइक बिकॉज फॉरन करेंसी का यहाँ पे बड़ा शॉर्टेज था. सो मैंने बोला आप मेरे को पेमेंट कर दो, आई डोंट नो हाउ आई विल रिपे यू बैक बट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल रिपे यू बैक. 3-4 लाख रुपए का सिर्फ माल था, बट अगर नहीं पेमेंट आएगा तो मेरे कंपनी वाइंड अप हो जाएगी. बिकॉज पेमेंट नहीं आएगा ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आई हैव टू गो बैक टू पुरुलिया एंड फिर ये तीसरा चौथा लाइक फेल्योर में ऐड हो जाएगा एक और कि कैरियर में करेंगे क्या. तो ही सेड कि नहीं मैं आई विल पे यू एंड आई डोंट वॉन्ट दिस मनी बैक ऑल्सो, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट इन योर लर्निंग प्रोसेस एंड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. सो पहली बार में जो वो सीखा, सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट आई कैन से और एवरीथिंग की प्रोडक्ट जो भी बनाना है वो आई मीन लाइफ लॉन्ग क्वालिटी हैज टू बी देयर, वेदर इट इज योर ओन लाइफ, वेदर इट इज मेकिंग ए प्रोडक्ट और यू नो योर रिलेशनशिप और एवरीथिंग. क्वालिटी नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. सो दैट आई लर्न द हार्ड वे इन द फर्स्ट गो लाइक शुरू करते ही एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड. देन उसके बाद फिर इसलिए मैं तुम्हारे साथ रेजोनेट करता हूँ, मुझे समझ में आया. मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की IMC पढ़ने के बाद, तो वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है जे वॉल्टर थॉम्सन, फिर मैं ONM में गया, ओगिल्वी एंड मदर वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज, और उसके बाद मैं गया तारा सिन्हा चलाती थी मकैन में. अच्छा तो और तीनों जगह जो मेरे बॉसेस थे वो पुराने टाइप के नहीं होते थे, थोड़ा अंग्रेज टाइप के बॉसेस, 3-piece suit पहनने वाले, रोडा मेहता थी, बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे. तो जब मैं उसमें मकैन में काम कर रहा था, सो द ओनर ऑफ द कंपनी आई मीन शी मैडम तारा सिन्हा जो थी वो वर्ल्ड में जो जैसे गोट एट गुरुज जो होते हैं, शी वॉज वन ऑफ देम. शी ब्रॉट कोका कोला एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स टू इंडिया, जिलेट एंड एवरीथिंग, एंड शी स्टार्टेड हर ओन एजेंसी विद मकैन. तो मैंने आप समझिए यानी जैसे आप एडवर्टाइजिंग मोदी जी पॉलिटिक्स में है उस तरह से वो एडवर्टाइजिंग में बड़ा रुतबा था उनका. मैंने आने आया था और मैं हार्वर्ड से लौट के आया था, हार्वर्ड से आया था तो मेरा भी एक थोड़ा चिप था ऑन द शोल्डर. तो एक दिन वो कहीं से आई मीटिंग से एंड शी सडनली स्टॉप्ड एट माई डेस्क एंड उन्होंने मेरी डस्टबिन में देखा. उस जमाने में तो वो सब नहीं थे कंप्यूटर्स, तो उन्होंने डस्टबिन में देखा, हमारा GK2 में ऑफिस था दिल्ली में, तो देखा कहती है व्हाई डू यू हैव सो, कहती विवेक व्हाई डू यू हैव सो मेनी पेपर्स इन योर डस्टबिन. तो क्या होता था हम लोग को लिखा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, फाड़ा फेंका कुछ हुआ फिर तो बहुत फेंकते थे पेपर कुछ भी हुआ, कहती व्हाई डू यू हैव सो मेनी दिस थिंग. तो आई सेड बिकॉज आई मीन बिकॉज गलत हो जाता है फेंक देते. कहती विच मीन्स देर इज़ नो क्वालिटी इन योर वर्किंग स्टाइल. मुझे समझ में भी नहीं आया व्हाट शी वाज सेइंग. शी सेड विच मीन्स यू हैव नो क्लैरिटी ऑफ थॉट. Anybody who sits on a desk and starts writing just like that without clarity of thought will never achieve quality in life. और इतना मेरे को quality का वो हो गया कि मेरे घर में बच्चे भी बोलते हैं my wife तुम्हें obsession है quality का, perfection का नहीं है मुझे, मुझे quality का. Perfection का नहीं होना. Yeah, quality का. अच्छा एक बात बताओ कि इंडिया में quality की awareness क्यों नहीं है? Quality of life, quality of conversation, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग, हर चीज़ में हमारे इंडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा जो आज की तारीख का प्रॉब्लम वो है क्वालिटी का. हमारे प्रोडक्ट्स को कोई ट्रस्ट नहीं करता दुनिया में कहीं भी. ये क्या है तुम टेल मी फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तुम एक्सपोर्ट भी करते हो हमारे, ये ठीक है मास में कपड़े भेजने हैं ये भेजने कुछ चीज़ें, पर जैसे तुम आप अगर यहाँ से आप यूरोप जाते हो, इवन दुबई जाओ, आपको सेम कोक की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आ जाएगा. आप वही जिलेट का ब्लेड यहाँ खरीदिए वहाँ खरीदिए, यू विल सी द डिफरेंस. है ना, वही खाने की चीज़ आप यहाँ, वही ब्रांड यहाँ लीजिए. ये क्या चक्कर है ये मुझे ज़रा समझाओ. मैं कभी नहीं समझ पाया कि हमारी वाई डू वी बिलीव सो कन्विंसिंगली इन पुअर क्वालिटी. हमारी स्पीचेज भी तुमने देखा होगा अभी जो इलेक्शंस में, मीडिया की जर्नलिज्म की क्वालिटी देखो, फिल्मों की क्वालिटी देखो. What is your perception? क्या लगता है तुमको? Actually, I feel that you know, for almost like 1000+ years of slavery that we had, so हमको थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है ना, हमको बड़ा satisfaction हो जाता है. हमारा मतलब One second, पर slavery में तो हमारा जो cotton की जो quality थी वो तो world में best थी, number one थी. हाँ, but that was not being done by us. See, by Britishers. So when China में जब चालू हुआ changes. So what happened was the Chinese quality, we always say ki Chinese quality is so bad, Chinese quality is so bad, we used to say. But still Apple China se aa raha tha, Tesla China mein ban rahi thi, aur world's best products were, wo bahut world class quality ke the. Simply because it was not made by Chinese.
But then eventually it came down to the Chinese also, because the Chinese government had took it. Now Chinese products are way better than even European and American product quality. Yeah. Because now there is emphasis on quality. Everybody has an emphasis on quality. तो हमारा जो माइंडसेट जो हमेशा था ना, बिकॉज ऑफ दैट, कि थोड़ा सा भी मिल जाता था तो सेटिस्फैक्शन हो जाता था. सो आवर बॉसेस सो कॉल्ड, यू नो, जो हमको दबा के रखने वाले या जो भी थे, दे अंडरस्टूड कि इनको थोड़ा थोड़ा दे दो. इनको अगर मतलब मोजे की क्वालिटी घट, इलास्टिक लूज भी होगा तो एक मोजा मिल गया उसी में खुश है. दैट स्कार्सिटी माइंडसेट के कारण हमको थोड़ा सा भी कुछ मिलता था तो दैट इवेंचुअली इज नाउ 1.5 बिलियन पीपल, यू नो, एंड things are still changing, but it's like very initial stages, because लोग बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं, बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं. They are seeing what difference we are. As you rightly said, I buy a lot of my products when I travel outside. The basic from undergarments to plates, as you said, shaving guy, all those stuff, because there is huge difference. Yeah, yeah. Same brand, same quality, same thing. It's a huge difference. Even if you buy whey ka protein ka powder I get from on ka USA, it's different from what I get here. So that's where उसी brand की t-shirt तुम खरीदो, ditto same t-shirt तुम London में ले लो, see the difference. What difference है? Because and it's cheaper there. हाँ. और ये भी मैंने देखा कि it's cheaper there because there is a basic level of कि यहाँ से मतलब शुरुआती जो point है उनका वो दूसरे level पे है. हम इतना you know जुगाड़ से किसी तरीके से achieve करने के लिए that whole पहले मुर्गी पहले अंडा, कि पहले पैसा मिलेगा कि पहले हम किसी तरह से वो दैट माइंड सेट इज आई सीन एम एस एम ई इट्स सच ए आई मीन हमारा सबसे ज़्यादा सफरिंग होता है इसी बात का है कि हमारे जो वेंडर्स हैं उनकी हमारे कस्टमर है सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन दे आर ऑल ओईएम्स यू नो वर्ल्ड टॉप क्वालिटी उनकी नीड्स है हमारे जो सप्लायर हैं वो एम एस एम ई सेक्टर्स हैं सो नाउ दे हैव ऑलवेज देर इज ए जुगाड़ करके करने की लाइक दे विल नॉट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी दे विल नॉट इन्वेस्ट इन सेटअप माइंड सेट नहीं है ट्रेनिंग नहीं देते हैं यू नो सो दैट जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सी क्वालिटी का और हमको उसको ए भेजना है सो वी आर ऑलवेज सफरिंग यू नो हम मतलब कितनी भी कोशिश कर लें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंड हम ए क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है वो ओईएम को डायरेक्ट दे रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं है कि एक यू नो मिड लेवल की कंपनी के साथ बिजनेस करने में सो दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रगल यू नो बिकॉज बट अल्टीमेटली सर्वाइवल क्वालिटी के बिना किसी भी चीज में नहीं है. हाँ, और क्वालिटी का ऐसा है कि हर चीज मैं फिल्मों का बताता हूँ. एक जनरल बिलीफ सिस्टम है, मैं जिन फील्ड्स में मैंने काम किया उसको मैं जानता हूँ. एक जनरल बिलीफ सिस्टम है कि ऑडियंस को क्वालिटी नहीं चाहिए. इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे बड़े स्टार्स में उनके साथ काम भी किया, मुझसे हमेशा कहते थे यार देख तू वैसी फिल्म मत बता ले रहा, अच्छी लगने वाली क्या है, ऑडियंस पुट ऑफ हो जाएगी उससे. मैंने क्यों नहीं, ज़्यादा स्टोरी नहीं देना इन लोगों को, बस उलझा के रखना. उलझा के रखना मतलब सुपरफिशियल इधर उधर की बातें नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्टिकल अंदर से लेजर शो कर दिया आपने. इंडिया में इसलिए देखो अभी भी कोई बहुत बड़ा फंक्शन होगा या कोई नया इनॉग्रेशन होगा, लेजर शो कर देते हैं हम लोग. तो लोग कहते हैं अरे वाह वाह क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. नोबडी लुक्स एट द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन और द क्वालिटी. एब्सोल्युटली. इसलिए देखो हमारे यहाँ डिलीवरी की भी जो क्वालिटी है इतनी, एक्सपेक्टेशन इतने लो है कि अगर कोई एक पॉलिटिशियन यही बोल दे करप्शन नहीं होना चाहिए तो लोग कहते हैं अरे अच्छा लीडर है. अरे करप्शन नहीं होना चाहिए तो होने ही नहीं चाहिए ना भाई, इसमें कोई बात चीज थोड़ी, कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं कर रहा. तो हमने एक तो एक्सपेक्टेशंस लो कर दिया. मीडिया में देखिए अगर कोई ढंग की बात किसी दिन हो जाए तो लोग कहते हैं क्या अच्छा आज अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ. नहीं, होने ही चाहिए, है ना, होने ही चाहिए. तो वील कम टू हेल्थ पार्ट लेटर, मेरा इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था. तो आई वॉन्ट टू बी माई गुरु. पर मुझे एक बात बताओ, मेरा एक दोस्त है फरीदाबाद में, मेरा कॉलेज का दोस्त है, हमने बहुत स्ट्रगल किया साथ में. यानी हम लोग लिटरली दो तीन चार रातें लोकल में सो सो के गुजारी हैं. हमें भगा दिया गया था एक गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में रुके थे, उन्हें धक्के मार के निकाल दिया. तो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे एडवर्टाइजिंग की. उसका नाम राजीव चावला है, वो MSME का चेयरमैन है कुछ है. तो वो भी मुझे ये कह रहा था, और अभी परसों भी मेरी एक फरीदाबाद के लड़के से बात हुई जिसके पेरेंट्स बिजनेस चलाते हैं. तो वो मुझे ये कह रहा था कि आजकल ना MSME में एग्जिस्ट करने में बहुत चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ गए, और इतने कंप्लायंसेस हैं और बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है. इज़ इट ट्रू? क्योंकि हम लोग जो देखते हैं और सुनते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट फिनोमिनल वे, करप्शन ख़त्म हो गया है, और ईज ऑफ बिजनेस की बहुत बात करते हैं. टेल मी ऑनेस्टली, इस शो का ही नाम ब्रूटली ऑनेस्ट है, तो इसमें कोई यानी हमें कि जो कोई हम लोग कोई पॉलिटिशियंस तो है नहीं, व्हाट इज द रियलिटी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसको लेके. तो व्हाट इज द रियलिटी, टेल मी ऑनेस्टली.
So I live in NCR. You know, I live in Faridabad. Faridabad. So it's in Delhi NCR, which is like India ka power center hai. जी. Power आ रहा है तुम्हारे? So that's where I'm saying. 75 years of independence के बाद, all possible governments have come. All political parties जो जितनी exist की इंडिया में, उनके prime minister बन चुके हैं इस देश में. और उसके बाद हमारे पास, we all know about pollution in NCR. So I don't, power नहीं है 24/7. मीठा पानी नहीं आता दिन में 2 घंटे. गुड़गांव और दिल्ली में तो लड़ाइयाँ होती है, उससे आता है आपके टैंकर से पानी आता है. फरीदाबाद में एटलीस्ट सप्लाई आता है, पर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पानी आता है. आपके पास प्योर एयर नहीं है, आपके पास 24/7 पावर नहीं है, और आपके गैजेट्स इतने ख़राब होते हैं. जो भी पावर आ रही है इतनी पुअर क्वालिटी की पावर है, फ्लक्चुएटिंग होती है, कि आपका गैजेट्स ख़राब होते रहते हैं दिन भर वहाँ पे, अगर आपने कुछ भी लगा रखा है आपके घर. इसलिए दिल्ली में हर घर में वो इन्वर्टर या कुछ रखते हैं, सब एसी के लिए इन्वर्टर लगाना पड़ता है वहाँ पे लोगों को, या तो मतलब वोल्टेज कम एसी होते रहता है, चीज़ें ख़राब होती रहती है. जब आपको 75 साल के बाद बेसिक चीज़ें नहीं मिली अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट्स की आपको, और वो NCR में नहीं मिली, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे से नहीं है लोगों का, जहाँ यहाँ तो बहुत बड़ा से है यहाँ पे. मतलब अभी आज भी देखेंगे तो ये जितने NCR के हैं, गुड़गांव से मिनिस्टर है, फरीदाबाद से मिनिस्टर है, गाजियाबाद से मिनिस्टर है, दिल्ली से 2 मिनिस्टर है कैबिनेट में. आउट ऑफ 75 मिनिस्टर देर आर 5-6 मिनिस्टर्स जिस जगह से हैं, NCR से. हाँ, गुड़गांव के इंद्रजीत सिंह जी वही से मिनिस्टर, हमारे MP जो है वो मिनिस्टर है कैबिनेट में, दिल्ली से 2 मिनिस्टर. खट्टर साहब भी बन गए, खट्टर साहब वही बन रहे ना, खट्टर साहब. हरियाणा से तो 4 मिनिस्टर है. सो और आपको मैं अभी बता ही रहा था जब हम बात कर रहे थे कि पिछले 18 घंटे से हमारी फैक्ट्री में पावर नहीं है. सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन इंडस्ट्री टू यू नो कम्पीट ग्लोबली जहाँ पे आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. आई मीन ऑल दिस गिज़मोस, यू नो हमारे GDP कहाँ है, क्या है, इट इज़ नॉट वर्क. अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर, आप सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा दिन देश को आगे नहीं बढ़ा सकते. यू नीड मैन्युफैक्चरिंग टू सक्सीड, एंड मैन्युफैक्चरिंग का तो बहुत से द लिस्ट, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड ऐड टू इट करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर इज वे मोर देन. करप्शन कम नहीं हुआ पहले से? करप्शन कम नहीं होता पहले, मुझे याद है वो आ जाते थे सेल्स और एक्साइज वाले लोग इंस्पेक्शन करने, पैसा ले जाते थे, ये सब करते थे, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा है वो अपने दोस्तों के यहाँ, पर वो अभी भी अभी, है. अभी अभी तरीके बदल गए. अच्छा, बट करप्शन कहाँ खत्म होता है सर? और ईज ऑफ बिजनेस, ये कंप्लायंसेस की क्या शिकायत, GST से क्या प्रॉब्लम है सबको? GST की एक्चुअली एक तो टैक्सेशन ही बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट ऑफ ऑल द परसेंटेज ऑफ टैक्स इज वेरी हाई. आई थिंक वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ कि हमने इस महीने इतना जो आता है न्यूज़पेपर में ऑल टाइम हाई कलेक्शन. इंस्टेड ऑफ दैट हमको टैक्स कम करने का देखना चाहिए. द लोअर द टैक्स इज, यू नो, द मोर कंप्लायंस विल बी बेटर एंड पीपल विल स्पेंड मनी. द मनी विल कम मोर ऑन द इन द इकोनॉमी बेसिकली. अब आदमी अभी जुगाड़ देखता है कि बिना GST लगाए कैसे सामान यू नो कंजम्पशन कर लिया जाए. अब एज एन एक्सपोर्टर इफ यू लुक एट माई इशूज, हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, चाहे टेलीफोन का बिल पे करते हैं ऑफिस का, चाहे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसमें सब चीज़ में GST लग के आता है एंड वी गेट इट बैक. सो हमको वापस जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ वो कंपेंसेट होके हमको गवर्नमेंट से वापस पैसा आ जाता है. बट ये पूरा साइकिल का रोटेशन में 3 से 4 महीने लगते हैं. अब आप सोचिए मेरा 18% पैसा, 20% ऑफ माई वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व गवर्नमेंट के पास पड़ा है 4 महीने का रोटेट करने के लिए. क्योंकि अगर साल भर में अगर मैं महीने में अगर 10 करोड़ रुपए का माल बेच रहा हूँ तो मैं उसके लिए रॉ मटेरियल ये सारी सर्विसेज जो अगर मेरा 15% मार्जिन है, सो आई एम बाइंग ऑलमोस्ट लाइक 8.5 crores ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, यू नो, रॉ मटेरियल और सर्विसेज सारा, जिस पे मैं टैक्सेस दे रहा हूँ. वो टैक्स मेरे को वापस मिलेगा. तो आप ये सोच के चलो कि मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ रुपये हर महीने का GST का रिफंड है. 4 महीने में रिफंड आ रहा है तो आप 4 करोड़ रुपये का आप गवर्नमेंट के पास मेरा पैसा ब्लॉक्ड है. सो नाउ दैट वर्किंग कैपिटल तो मेरा आई एम पेइंग इंटरेस्ट. तो अगर आप सोचो तो मेरा कम्पिटिटिव जो कंपटीशन जो है जहाँ पे, सो एक्चुअली मेरे को लक ही नहीं आना चाहिए. सो इफ मेरे को जब रिफंड ही देना है तो आपने और उसका प्रोसेस को लंबा कर दिया. सो अभी कंप्लायंस, अच्छा, तो लिक्विडिटी, अब कैश फ्लो गवर्नमेंट के पास चला गया. इनफैक्ट तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है उससे. हाँ, ऑब्वियसली सारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास पड़ा है तो गवर्नमेंट को पास तो 4 महीने का लिक्विडिटी और इंटरेस्ट तो देती नहीं है. हम बैंक से वर्किंग कैपिटल लेके काम कर रहे हैं, हमको बैंक को इंटरेस्ट देना है. सो आई एम सेइंग देन पैसा लेना इतना आसान नहीं. फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग देयर इज अ सिस्टम फ्लो, यू नो. द बिगेस्ट थिंग इंडिया में लैक करता है वो ट्रस्ट. ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, किसी को किसी पर, ना गवर्नमेंट को आप पे, ना आपको मैंने एक दूसरे सप्लायर को नहीं, किसी को किसी से ट्रस्ट नहीं. नहीं, जब ट्रस्ट नहीं होता है तो देन यू ब्रिंग इन मोर रेगुलेशंस टू कंट्रोल करने के लिए कि भाई इस दायरे में सबको चलना है ताकि यू नो
अब जितना आप रेगुलेशन लेके आते हो उतना और मतलब ऑब्स्टेकल्स खड़े होते जाते हैं। देखो हम तो वैसे तुम्हारी तरह बिजनेस नहीं करते, मतलब हमारा कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जो हम बेच रहे हैं कुछ कर रहे हैं, हम तो फिल्म बनाते हैं, तो हमारा तो अरे तुम कितने 100 करोड़ खर्च करो चाहे 10,000 करोड़ रुपए खर्च करो, अल्टीमेटली वो एक हार्ड डिस्क में आ जाता है सारा का सारा। लेकिन पेमेंट जब आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, यह मेरे को बड़ा, मैंने देखो मैं समझता हूँ लेकिन मैं समझना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है करने का, बट आई अंडरस्टैंड द फंडामेंटल। मुझे एक चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब मैं अकाउंट्स वालों से हमेशा लड़ता हूँ, चिढ़ जाता हूँ उनसे कि भाई आपने मुझे, मैंने आप पे बिल इनवॉइस रेज किया, मुझे आपसे समझिए 100 रुपये लेने, तो उस पर 18% जो भी है GST लगा, तो वो आपकी तरफ से मुझे आएगा ना, तभी तो मैं पे करूँगा। पर अभी हमारे यहाँ कई बार क्या, कई बार नहीं हमेशा ये होता, कहते पहले आप भरिए इसको, जब वो रिफ्लेक्ट होगा तब वो आपको देंगे। अब ये अच्छा सामने वाला फिर कब देता है क्या करता है, इस प्रोसेस में आपके 2-3 महीने चले जाते हैं। हम लोगों का डे टू डे कैश फ्लो नहीं है, हमारा साल में 4 पेमेंट आए तो फिल्म बनती है। मुझे ये इलॉजिकल लगता है, अजीब सा लगता है भाई। आप अब समझिए अगर आपने कोई सामान कहीं खरीदने गए तो इससे आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं इसका टैक्स तेरे को 1 महीने बाद दूंगा, पहले तू भर फिर मैं दूंगा। बात प्रिंसिपल तो वही है। सपोज आई बाय सम गुड, मैं जैसे कार खरीदने जाऊं तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कि भाई इसका जो GST है वो तो आप भरो पहले फिर मैं आपको दूंगा। ये क्या है, ये इंडिया में हर आदमी दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में क्यों लगा रहता है कि इसको दबा दो, ये चक्कर क्या है? एक्चुअली वो किसी तरीके से पैसे कमाने, इज दैट व्हाट इट हैज हैपेंड, बिकॉज जैसे मैं आपको ट्रस्ट की बात पे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। मेरे को अपना एक लेंस मंगवाना था US से, टाइगर लेंस, कैप फोटो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए एक लॉन्ग लेंस मंगाना था मेरे को। मैंने एक कस्टमर को अपने कनाडा में बोला कि यार तू ये लेंस मेरे लिए आ रहा था, ही वाज विजिटिंग अस, तो ये ऑर्डर करके, सो उस मैंने बोला आप मंगा लेना एंड आई विल पे यू फॉर व्हाट एवर इट वाज, $5,000-6,000 का लेंस था। तो वो B&H फोटो न्यूयॉर्क में, हाँ मैं जाता हूँ, बहुत जाता हूँ। हाँ तो वो एक मेरे लिए भी मक्का है, जब न्यूयॉर्क जाओ तो वहाँ एक जरूर चक्कर लगाने जाता हूँ। तो वो वहाँ पे मैंने, उन्होंने ऑर्डर किया एंड उन्होंने उसमें 7% वहाँ पे वैट है, GST का इक्विवेलेंट वहाँ पे 7% है। सो इफ़ यू ऑर्डर एट योर होम एड्रेस सो दे चार्ज यू टैक्स, इफ यू एड्रेस इन योर ऑर्डर इन योर ऑफिस एड्रेस दे डोंट चार्ज यू द टैक्स, बिकॉज आप वापस रिफंड क्लेम करने का उन्होंने एक प्रोसेस पूरा अबेंडन कर दिया। मतलब मैन्युफैक्चर जो एंड यूजर पे टैक्स लगता है, GST का भी यही फंडा है, एंड यूजर पे टैक्स लगता है। अब वो एंड यूजर कौन है, जिसके घर पे सामान आ रहा है, अगर ऑफिस में आ रहा है दैट मींस इट्स कम फॉर कमर्शियल पर्पस, सो एंड यूजर नहीं है। गलती से उसने वो एड्रेस जो अपने ऑफिस का उसमें डाल दिया, तो जब वो डाल दिया तो उस वो लग के नहीं आया 7% टैक्स, एंड ही वाज सो गिल्टी अबाउट इट कि ये यार ये तो चोरी हो गई, या अमेरिकन कल्चर है। तो वो है हमारे यहाँ तो हम जानबूझ के एड्रेस ही घर का देंगे अगर ऑफिस में बैठे ऐसा मौका मिल। मैं तुम्हें एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं पढ़ने गया था यहाँ 80s में वहाँ अमेरिका, तो हार्वर्ड में, तो हम सब स्टूडेंट्स थे, पैसे से होते नहीं थे। तो उस ज़माने में क्या था, अमेरिका में सिस्टम था वो पब्लिक कॉल्स होते थे ना, तो यू पुट द कॉइन क्वार्टर या डाइम क्या डालते थे, क्वार्टर आपने डाला और अगर समझिए वो रॉन्ग नंबर लग गया तो इमीजिएटली यू प्रेस ओ एंड कॉल द ऑपरेटर एंड से सॉरी आई गॉट द रॉन्ग नंबर। ओके इमीजिएटली विद, आई मीन आप फोन नहीं रखोगे उसके पहले टंग करके क्वार्टर आपका नीचे गिर जाता था, तो यू टेक योर मनी बैक। दिस वॉज द लेवल ऑफ सर्विस इन 80s। तो इंडियन लोगों, जब मैं गया वहाँ पे तो जितने इंडियन थे उन्होंने मुझसे बोला अरे एक देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इंडिया कॉल बहुत महंगा था, तो वहाँ से आप इंडिया कॉल करो, जितनी देर बात करनी है बात करो और उसके बाद उसको बोल दो ऑपरेटर को कि आई गॉट द रॉन्ग नंबर, और वो आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। दिस इज़ वॉट इंडियंस हैव बीन डूइंग इन US। किसी से पूछ लो जो NRI है उस वक्त का, सब ये करते थे, हमने तरीका ढूंढ लिया था बचाने का। तो ये हमारे DNA में कहीं घुस गया है कि फ्री में हो सके तो हो वॉट इज़ द रीज़न। लेस चलो इसको एनालाइज करते हैं, घुसते हैं इसके अंदर जरा डेप्थ में, क्या रीज़न है? आप बताओ अपनी थ्योरी फिर मैं बताता हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द यू नो स्कार्सिटी दैट वी हैव, सो वी हैव दैट माइंड सेट ओनली कि हमको कैसे तो भी करके ये जुगाड़ करना है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन स्कार्सिटी, यू नो, एंड अभी भी वो माइंड सेट वही है। मतलब जब हम पुरुलिया में रहते थे तो अगर हमारे पास पैसे भी होते तो हमको फल नहीं मिलते थे, सब्जी नहीं मिलती थी कि हम खा सकें, वहाँ मिलता ही नहीं था, ब्रेड नहीं मिलता था। जस्ट इमेजिन कि यू नो आई एम टॉकिंग 30 years back, 30 साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस कंट्री के, वहाँ पर सब्जी फल ब्रेड नहीं मिलता था। सीरियसली? हाँ।
सो देर वॉज नो प्रोडक्ट. अभी मतलब अभी की जनरेशन तो सोच ही नहीं सकती कि ऐसा भी कुछ जब हो सकता है करके. पर वो एक ऐसा टाइम था कि ऐसा नहीं था कि वी आर पुअर, वी आर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, यू नो. एंड बट हम चाह के भी हमारे को हमारे पेरेंट्स शायद भी हरी सब्जी खिला दें, वो मिलता ही नहीं था वहाँ पे, फ्रूट्स खिला दें मिलता ही नहीं था. सो दोज वेयर द टाइम बिकॉज ऑफ दैट. नाउ जब हमारे को किसी भी तरीके से जुगाड़ करके वो लेके आना है, दैट अट्रैक्शन इज ऑलवेज देयर. बिकॉज कोई भी चीज़ को मैंने देखा कि जैसे अब हमारे क्या होता था, जो रामकृष्ण मिशन स्कूल में था हमें, सो दैट वॉज अ कल्चर दे हैड वॉज बिकॉज ऑफ यू नो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद एंड ऑल दो स्टफ. सो वो उनको एनी थिंग विच वॉज मॉडर्न, विच वॉज एनी थिंग टू डू विद बॉलीवुड, वो एंटी मैंने रिलीजन है, मतलब वो खराब कर रहा, कल्चर खराब कर रहा. दैट वॉज वॉट वी हैव बीन टॉट फॉर 7 years. तो उस समय अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े बाल चलते थे ऐसे कान के ऊपर, और वहाँ पे इसलिए छोटा बाल काटना, बेल बॉटम चलते थे तो आपको चुस्त पैंट पहननी है. That was what was anti वो चलता था. There was always an objection against. बंगाल की बात कर रहे हो ना, anti mainstream रहा है बंगाल हमेशा से. So plus हमारे स्कूल में तो और ज्यादा था because of it was that religious रामकृष्ण परमहंस के हिसाब से. तो हमारे को बहुत बढ़िया थिएटर था हमारे हॉस्टल में, बट कभी भी जिंदगी में वहाँ पे कोई हिंदी पिक्चर, हम मैंने रामकृष्ण के लाइफ के ऊपर, विवेकानंद के लाइफ, आनंद मठ के ऊपर, और यू नो ऑल दिस के ऊपर मेरे 20-20 बार वो पिक्चर देखी होगी 7 साल में. तो होता क्या था कि जब आप समर वेकेशन में आते थे घर, 5 हफ्ते की छुट्टी होती थी, तब वो रिवोल्ट रहता था कि यार हमको हिंदी पिक्चर नहीं देखने मिल रही, तो हम देखनी है. अब उस समय ऐसा नहीं था कि हर हफ्ते नई फिल्म लग रही है. नदिया के पार लग गई था ना, 25 हफ्ते तक चल रहा है. अब आप नदिया के पार 10 बार देख रहे हो उस 5 हफ्ते में. हाँ, थिएटर भी इतने ही है एक दो छोटे शहर में. छोटे शहर में 2 तो थिएटर थे, और वो 2 थिएटर में एक, आप पूरे आपके समर वेकेशन में एक ही मूवी लगी हुई है. अब आपको पिक्चरें तो बहुत देखनी है बिकॉज आप एंटी उस थॉट से आ रहे हो, क्योंकि आपको रोका गया है किसी भी चीज़ के लिए. यहाँ पर भी हमारे को कि हर समय जो रोक रोक के कल्चर जो ऐसा हुआ है कि हम उसके कारण ऑलवेज वी आर यू नो गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम, एंटी सिस्टम जाता है. ठीक है, ये कानून लेके आया तो हमारे पास एक और जुगाड़ है. तुम एक कंपनी में टैक्स लगा रहे हो, अब हम आई टेल यू, हमारे को जैसे एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट वॉज टैक्स फ्री. हमारा 5-7% बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से भी था, बट हमारे को एक्सपोर्ट में हमारे को लाइक 20-30% मार्जिन था, डोमेस्टिक बिजनेस में 10% मार्जिन था. बट हमारे को उस डोमेस्टिक बिजनेस के ऊपर भी 30% टैक्स लगता था बिकॉज ओवरऑल बिजनेस में 30% प्रॉफिट था, जबकि हमारे गवर्नमेंट ने वैसा लॉ बना रखा है. तो हमने एक और कंपनी बना ली, एक्सपोर्ट के लिए अलग बना ली, डोमेस्टिक के लिए अलग बना ली, कि अब डोमेस्टिक इसमें बिजनेस करेंगे तो आप 10% ही टैक्स दे रहे हो, एक्सपोर्ट आपका टैक्स फ्री था ही उस समय. सो हम जितने रेगुलेशंस लेके आते हैं, हम उसका उतना जुगाड़ हमारे को आता है, हम ढूंढते रहते हैं. हम उस रेगुलेटरी में काम, क्योंकि रेगुलेटरी प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं. अगर मैं सारे के सारे रेगुलेटरी के फ्रेमवर्क में काम करूंगा तो आप कर ही नहीं पाओगे यहाँ पे. दैट्स व्हाट आई फील कि ऑलवेज हमको जुगाड़ मार करना पहले आ गया. ये नहीं चल रहा है तो ऐसे कर लो, इतनी चल रहा है तो ऐसे कर लो, यू नो. मतलब आप देखिए, एक ट्रैक्टर इज मेंट टू रन ऑन फील्ड, खेतों के लिए बना है. अब आप हमारे हरियाणा, यूपी, बिहार इस तरफ कहीं भी जाएंगे तो ट्रैक्टर देखिए सब कुछ काम करता है सब. हाँ, वही पानी उठा रहा है, पंप कर रहा है, वही खेतों में जा रहा है, वही आपको घुमाने के लिए दिल्ली से आगरा लेके जा रहा है, शादी में भी वही जा रहा है. सो ट्रैक्टर वो मल्टीपल यूज हो रहा है. आप कहीं दुनिया में नहीं देखेंगे कि ट्रैक्टर खेत पे के अलावा कहीं रोड पे चल रहा है. हर चीज का हमारे मल्टीपर्पज यूसेज है, हर चीज का जुगाड़ है हमारे. हाँ, कुछ भी तोड़ लगा दीजिए आप, जुगाड़ है. बिकॉज हम इतने कानून लगाते जाते हैं, हर चीज में रेस्ट्रिक्शन डालते रहते हैं, तो एज ए मेंटेलिटी हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का यू नो एक निकल जाता है कि यार ठीक है, ये रोका ना मेरे को, मैं इधर से चलता हूँ, ये रोका तो इधर से चलता हूँ. सो वी आर वे, ये जो जुगाड़ हमको आता है ना, ये अलग ही लेवल का है. मुझे मेरे को ऐसा लगता है, मैं जितना मैं समझाऊँ, मैं मैनेजमेंट भी काफ़ी किया, मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजिंग किया, ना मैं पब्लिक लाइफ में घूमता भी हूँ, तो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप से शुरू होता है. तुम किसी भी बिजनेस में, आपका चाहे 10 करोड़ का बिजनेस हो, चाहे आपका 10,000,00,000 करोड़ का बिजनेस हो, घर में अगर पिता कहता है कि नहीं, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, या हम रात को इतने बजे खा लेंगे, या हम अपनी वैल्यूज सेट कर दें, तो जनरली जो ज्वाइंट फैमिली भी हो तो लोग उसे फॉलो करते हैं. तुम तो आप, मैं भी किसी से बोल रहा था, मैंने कहा लोग तंबाकू बहुत खाते हैं इंडिया में, पान खाते हैं, तो जितनी सीढ़ियाँ हैं इंडिया की सारी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, सर कोने में तुम्हें पान थूका हुआ मिलेगा. मैं जाता हूँ गवर्नमेंट ऑफिसेज में, दिल्ली में सोचिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, कनॉट प्लेस में कहीं भी घूम लीजिए आप. नहीं, वो तो कनॉट प्लेस प्राइवेट जगह है ना, तो सरकारी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ दिस, मिनिस्ट्री ऑफ दैट में आप जाइए, जगह जगह वो पान थूके हुए मिलेंगे आपको, ट्रेन में. लेकिन वही बंदा जो 24 घंटे पान थूकता है हर जगह बिना सोचे हुए, जैसे ही वो घुसता है एक 5-star होटल में, वो पान नहीं थूकता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ करूँगा तो पिनलाइज हो जाऊँगा, यहाँ पेनल्टी लग जाएगी मेरे को.
तो ये एक आप बताओ, एसी ट्रेन के अंदर लोगों का बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है और वही थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में क्यों चेंज हो जाता है, जैसे ही लोग एसी बस में बैठते हैं अलग हो जाता है। तो इसका मतलब अगर लोगों को ये पता हो कि भाई ये सही तरीका यही है काम करने का। तुम कह रहे थे, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग इतने फ्लाईओवर्स और हाईवे की बात करते हैं, एक फ्लाईओवर, एक हाईवे, एक सड़क दिखा दो तुम मुझे इंडिया की, जहां पे मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया में कोई भी आदमी रूल्स को फॉलो करता है। ऐसा नहीं, रूल्स नहीं है, रूल्स तो अपने इतने हैं, ढूंढ वो ढूंढ के ज्यादा निकल है आए प्रॉब्लम भी, इसीलिए कि ज्यादा रूल्स है। निकल, पर हम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि अगर फॉलो करना करने लगेंगे तो एक करप्शन का सिस्टम खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। और हु केयर्स, ये भी है कि हु केयर्स, आप फ्लाईओवर्स बना देते हैं, जैसे ही वो घुसते हैं सड़क में, वहां पे पतली सड़क हो जाती है, बॉटल नेक हो जाता है। आपने 10 मिनट बचाए थे, आधे घंटे आप बॉटल नेक में फंस एब्सोल्युट गए। यहाँ एब्सोल्युट सी लिंक बनाइए, इतनी इट्स वर्ल्ड क्लास, अभी तो कौन सी कोस्टल रोड बनाई, पर वो जैसे ही वो शहर में आती है तो वो अंदर जाके बॉटल नेक्स क्रिएट कर दी। वाई से देर इज नो थिंकिंग, एक ये मेरा पॉइंट है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने का इंसेंटिव क्या है भाई? अब आप फ्रीडम मूवमेंट तो है नहीं, अच्छा पुरानी बात भी नहीं रही कि आप खादी का कुर्ता पजामा पहन के समाज बदलने के लिए गांव में चल रहे हैं और सड़क बना रहे हैं और कृषि में योगदान कर रहे हैं। आज के जो नेता हैं उनको तो ऐसा लगता है कि बाल कटवाने भी इंडिया के बाहर जाते होंगे। क्या कोई इंसेंटिव? जीरो है, जीरो इंसेंटिव है। गाली खाओ, घटिया काम है, गर्मी में इलेक्शन लड़ो। तो अभी नहीं तो मैं लगा 3 महीने लोगों को क्या मोटिवेशन है ये इलेक्शन लड़ने का, कि 7 हफ्ते तक 45-45 डिग्री टेम्परेचर में झूठ बोलना, गाली खाना, क्रेडिबिलिटी चली जाना, हेट नफरत फैलाना, क्या इंसेंटिव है इसका? इसका इंसेंटिव यही है कि अगर आप सत्ता में मैं मानने को तैयार नहीं हूं हिंदुस्तान के 542 MP में शायद ही इक्का दुक्का एक कहीं भगवान की देन से होगा, हर आदमी यही सोच के आता है यार बस एमपी बन जाए यार, तो 2-4 माइन के ऑर्डर ले लें, ये कर लें, वो कर लें, फलाना कर लें, बच्चों को वहां भेज दें, सब पैसा खाने के लिए आते हैं। तो अगर आपकी पूरी पॉलिटी ही पैसा खाने के लिए बनी है तो कैसे हम ईज ऑफ बिजनेस होगी फिर इस कंट्री में? दिस इज माई हाइपोथिसिस, मैं नहीं कर रहा हूँ, यही सत्य। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि एमपी क्या पैसे खाते नहीं खाते, वो मेरा कभी लाइफ में पढ़ा नहीं काम। बट प्रॉब्लम एक तो पावर, पावर जितनी पावर मतलब है ना कि आप रिचेस्ट आदमी भी है ना, पावर के सामने झुक के खड़ा रहता है, दैट अट्रैक्शन ऑफ पावर इज ऑलवेज देयर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो आप देखेंगे कुछ अच्छे एंटरप्रेनर्स इंडस्ट्री में आने की कोशिश की है पॉलिटिक्स में, नंदिनी ने लिखे नहीं से एग्जाम्पल, ही सब बिकेन कुछ निकाल दिए गए। अभी राजीव चंद्रशेखरन हार गए, मतलब यू नो द एंटरप्रेनर्स हु केम हु आर क्लीन हु नो बिजनेस हु अंडरस्टैंड समबडी हु गेव आधार टू दिस कंट्री, हाँ बताओ। ही गेव एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस लाइक यू नो इन्फोसिस में, एंड वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जीत सका जहाँ के सारे इंजीनियर उसके कंपनी में काम करते होंगे, बिकॉज कास्ट आ जाता है। यू नो हमारे हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि हर 30 किलोमीटर में एक नया भगवान है, नई भाषा है, नया वो फूड है, कल्चर है, बोली है, सब कुछ अलग अलग है एवरी 30 किलोमीटर्स। सो उसको जो मैनिपुलेट करते हैं पॉलिटिशियंस टू देयर बेनिफिट, जो अच्छे पढ़े लिखे या जिनको नहीं आता मैनिपुलेशन करना, वो कितने ही आउट हो अच्छे जाते भगवा हैं। आउट हो जाते हैं। आई मीन आई वॉज आई मीन आई टोल्ड माई फादर इन लॉ, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी में नंदिनी ने लिखे नहीं थे, जब वो हारे तो मैंने उनको बोला, मैंने यार आप लोग एक अच्छे आदमी को जिता नहीं सके, एंड यू एक्सपेक्ट पॉलिटिक्स टू बी बेटर लाइक यू नो बिकॉज समबडी हु नोज टेक्नोलॉजी, हु नोज मॉडर्न, हु जिसने इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया हुआ है इस देश में, एंड प्लस ही मेड समथिंग लाइक आधार विच इज़ लाइक आज हमारा बैकबोन है पूरे कंट्री का, हर चीज़ उसके चल रही है, तो वो ही लूजेज इन इलेक्शन ये सब पॉलिटी कॉन्शियस लोग हैं। हो ना। सो व्हेन द पॉलिटिशियंस नो दैट हमारी पब्लिक को चाहिए ही नहीं क्वालिटी, यही तो प्रॉब्लम वो है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। यही प्रॉब्लम मीडिया का, यही प्रॉब्लम फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं देखता हूं। उनको कहते हैं यार क्वालिटी फिल्म बनाओ तो चलती नहीं है, तो इसलिए जितना डम डाउन, डम्बिंग डाउन इज आई थिंक इज द नेशनल कल्चर मीडिया में। आप इंडिया का मीडिया देखो, मैं वो अभी मैं इतने वीडियोस बनाता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, मुझे बहुत गालियां भी पड़ती हैं उसके चक्कर में, मेरे दोस्त हैं जिगरी मीडिया में, दुश्मन होते जा रहे हैं, पर मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे पर्सन के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम देखो तो क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स ऑन मीडिया, मतलब कोई बच्चा भी शर्मा जाएगा सुन के, तुम लोग को खुद नहीं समझ में आती है ये बात, तुम कर क्या रहे हो? यानी 10 साल से तुमने रिलीजन के अलावा कोई बात ही नहीं करी है। बॉम्बे में एक गोखले ब्रिज है,
वो 6-7 साल बना ही नहीं, इतनी परेशानी होती है, 25 मिनट 30 मिनट का रास्ता, 1 घंटे जाओ ट्रैफिक में, फ्लाइटें छूट जाती हैं लोगों की, इसलिए क्योंकि अब वो आप छोटी छोटी लेन से अंदर से गलियों गलियों से जा रहे, मोहल्ले में होके, वहां कभी भी एक ठेला लग गया आप फंस गए 1 घंटे के लिए, फ्लाइट छूट गई। पहले हाईवे था, तो ओनली ब्रिज विच कनेक्ट ईस्ट टू वेस्ट अंधेरी, एंड अंधेरी इज द रियल कमर्शियल सेंटर ऑफ बॉम्बे, वही ब्रिज टूट गया। अब इतने साल बाद उन्होंने बनाया, इनॉग्रेशन करने आए, इनॉग्रेशन भी हो गया उसका, और उसके बाद पता चला कि वो छह पढ़ा सात 2 मीटर मतलब लगभग 6-7 फुट का उसमें मैंने गैप पढ़ा हो था गया। पेपर में आपने किसी टीवी में आज तक सुना उसके बारे में बात होते हुए? कभी आपको कहीं नहीं पता चलेगा, करते ही नहीं है ये लोग बात। अभी जम्मू एंड कश्मीर में इतना जबरदस्त, वो 4-5 दिन तक स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है उसके साथ, वहां पे गोलियां चल गई, टेररिज्म चल गया। किसी भी सभ्य दुनिया में, सभ्य सोसाइटी में अगर ऐसा होता, मैं सच कह रहा हूं, कुछ एक चैनल्स तो डेफिनेटली, अगर 10 चैनल हैं, 3-4 चैनल तो मैं गारंटी आई कैन राइट इन माई ब्लड, वो स्वेरिंग इन सेरेमनी रोक देती है और वो दिखाती। वाई इस पीपल्स मैटर, स्वेरिंग इन सेरेमनी तो एक इवेंट है, उसमें कौन सी, कल देख लीजिए आप उसको, दे इमीडिएटली वुड हैव स्टॉप्ड इट। इंडिया में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता देश में आग लगे नहीं लगे। तो जब आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है, मीन्स नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू, ना तो पॉलिटिशियन सोच रहे हैं आपके बारे में, ना ब्यूरोक्रेसी सोच रही है आपके बारे में, ब्यूरोक्रेसी तो दबदबा बनाने में लगी हुई है, और ना मीडिया जिसको सोचना चाहिए, ना क्रिएटिव लोग सोच रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम द नंबर वन इकॉन थर्ड और क्या ग्रेट इकोनॉमी एंड ऑल दोस, ये सपना मैं दिल से चाहता हूं, आई हैव सेक्रीफाइस सो मच इन लास्ट 10-15 ईयर्स की, ये ड्रीम फुलफिल हो यार, ये कैसे होगा संदीप? तुम एज एन एंटरप्रेन्योर, यू टेल मी, एमएसएमई स्पेशली एंटरप्रेन्योर, कैसे होगा ये? नहीं, वो मेरे को तो नहीं लगता कि आने वाले काफ़ी साल तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम, पर आप देखिए, एक तो ये जो नंबर्स बढ़ने के लिए जो मैं सोचता हूँ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन है तो बढ़ेगा ही नंबर। है, उसके बाद आपका क्या था कि देर वॉज ए पैरेलल इकोनॉमी विच यूज टू रन बिफोर डिमोनिटाइजेशन, दैट सडनली केम टू मेन स्ट्रीम, तो आपके नंबर्स बढ़ गए बिकॉज आपके ऑफिशियली नंबर्स और रिकॉर्ड में बढ़ पहली गए। बार किसी ने मुझे बोला क्या, टेल मी, हाँ क्या, जैसे आप सपोज कीजिए आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए आप 2 नंबर पे कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए 1 नंबर पे, जी नाउ दैट 2 नंबर का बिजनेस आपने बंद करके सारा 1 नंबर में कर दिया, तो आपका टर्नओवर 100 करोड़ हो गया, अच्छा, या 80 करोड़ हो गया, से फॉर दैट बेटर। तो लोगों को आप दिखा सकते हैं ना कि 50 से 80 हो गया, बट एक्चुअली आपका 100 से 80 हो गया, क्योंकि पैरेलल वाली इकोनॉमी तो जो थी वो इधर मर्ज होने में कम हो गई। सो नाउ जितना हम नंबर्स दे रहे हैं, तो आई हैव माई डाउट्स कि अगर वो पैरेलल इकोनॉमी जिसके नंबर्स हम डिक्लेयर नहीं करते थे, हमको पता ही नहीं था, हाँ एक पूरा बाजार मार्केट चलता है जो कि इशारों पे चलता है कि इतने का माल भेज दे, इतने का भेज दे, इंडिया में जो चांदनी चौक से लेके बॉम्बे में भी ऐसी जगह होगी, आई एम श्योर पूरे इंडिया में ऐसी जगह है जो लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु डोंट इवन यू नो आर रजिस्टर्ड विद GST में भी, और अगर वो भी होंगे तो लॉट ऑफ बिजनेस, वो पहले मतलब एक्सरसाइज और वैट का ज़माना था तो उस समय वो सारा मैनिपुलेट करके चलता था बिजनेस, तो अब वो जब वो बिजनेस कम हो गया, रेगुलेटरी हमने इतनी ला दी, अब लोग करते नहीं है, उसकी यूटिलिटी हमने इतनी बंद कर दी, कैश के एक्सपेंसेस कहाँ करेंगे अगर लोग कमा भी ले तो वो जब बंद कर दी, दैट केम टू मेन स्ट्रीम, लॉट ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन अप, यू नो सबके बैंक अकाउंट खुले, हर लाइक माई हाउस सेल्स नेवर हैड बैंक अकाउंट, नाउ एवरीबडी हैज़ अ बैंक अकाउंट, देर इज आधार, देर इज लिंक, उनकी सैलरी बैंक से बैंक जाती है, सो ऑल दिस मनी केम इन टू मेन स्ट्रीम, नाउ दैट गॉट रिकॉर्डेड एज आवर यू नो हमारा बिजनेस, बट नॉट नेसेसरी कि एक्चुअल ग्रोथ हुई वो। एंड सेकेंड, वेल्थ बहुत क्रिएट हुआ इंडिया में विद द मार्केट इंक्रीज, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट, वेदर इट इज प्रॉपर्टी प्राइसेस, यू नो जो है वो इतने एस्केलेट कर गए, डिमांड सप्लाई इज ऑलवेज डिफरेंट, यू नो सो वो अब सडनली जिसके पास एंसेस्ट्रल होम किसी को मिला पेरेंट्स का, जो गाँव में एक बहुत छोटा सा कभी 10 लाख का घर होता था, वो अचानक 1 करोड़ का हो गया, हाँ सो उसका वेल्थ की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई, सो ऑल दोज थिंग्स हैव एडेड टू द यू नो वेल्थ का, जीडीपी GDP और वॉट एवर आई बिलीव। स्टिल हमारा क्या है कि बिकॉज वी हैव ए यंग पॉपुलेशन एंड वी हैव पीपल हु आर, हम मतलब पूरी दुनिया को एक्चुअली आप देखेंगे तो इंडियंस चला रहे हैं, फ्रॉम क्रिकेट टीम से लेके US का जो जितना टेक कंपनीज में आप देखेंगे या जितने भी अभी देखेंगे, सो वी हैव द ब्रेन, वी हैव ऑल दोज, जुगाड़ हमको सारा आता है साथ में कि हम उसको कैसे यूज़ करें, सो वी कैन गो, बट द होल माइंड सेट इज नॉट देयर। पहला तो क्वालिटी का, जैसे हमने बात की, क्वालिटी की नीड्स का हमारा माइंड सेट ही नहीं है, हमारा आई मीन
अभी अब चाइना बेटा गया था, वहाँ पे वी ऑर्डर्ड फ्यू मशीन्स फ्रॉम देयर. आई मीन इफ यू लुक एट देयर फैक्ट्रीज यू विल बी अनबिलीवेबल. नॉट जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडस्ट्री, यू नो, द वे दे वर्क, द गवर्नमेंट वर्क्स, यू नो, एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट. आप MSME का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री में, ऑलमोस्ट 35% एम्प्लॉयमेंट कम्स फ्रॉम MSME, इफ आई एम रिमेंबरिंग द नंबर्स राइट. सो नाउ आप उसके लिए देयर इज नो वे यू आर देयर, देयर इज नथिंग इज बीइंग लुक्ड एट. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स दे आर मोर ऑफ, यू नो, आई विल से आई कॉल देम प्रॉपर्टी डीलर्स. वो जमीन बेच दी और काम आपका खत्म हो गया. अब जमीन बेचने के लिए वो प्रीमियम में बेच रहे, फार्मर से जमीन एक्वायर कर रहे, इंडस्ट्री को बेच रहे, उसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे कमा रही. अच्छा, सो ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग दैट. आप आई गिव यू एन एग्जांपल, हमारा वेयरहाउस है US में. सो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क लाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए सर, सो द गवर्नमेंट वॉज गिविंग इंसेंटिव, नॉट जस्ट टैक्स ब्रैकेट, टैक्स बेनिफिट्स टू द वेयरहाउस, टू दैट कंपनी, बट ऑल्सो टू द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग देयर. आपको 2% इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा. अच्छा, कि आप अगर उस प्लांट को न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया लेके आ जाओ, एक बॉर्डर क्रॉस करना है, फरीदाबाद हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, यू नो, एक टाउन शिफ्ट करना है आपको, 5 किलोमीटर इधर से उधर आपको लगाना है, आपको 2% का, अदर देन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे सारा कुछ. ऑल इन 3 मंथ्स दे हैड एवरीथिंग रेडी, वहाँ पे पाइप, गैस, सीवेज, वाटर, दैट एवरीथिंग वॉज, रोड्स, एवरीथिंग वॉज डन इन 3 मंथ्स, सो दैट यू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 30-40 पीपल. आप यहाँ पर अगर आप 300, 500, 700 कितने भी बड़ी फैक्ट्री आप लगा लीजिए यहाँ पे, दैट सब वो जमीन बेच के ही कमाता है. एक बार में मतलब सोने की मुर्गी को काट दो, अंडा ले लो. न कि आप वहाँ पे जॉब क्रिएट होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है. अगर आज मैं हरियाणा छोड़ के राजस्थान में प्लांट लगाने का मेरा कोई पर्पस ही नहीं होता, अगर लैंड प्राइसेज आर सो डिफरेंट. जयपुर इज जस्ट 3 आवर्स फ्रॉम मी, वेर आई कैन गेट लैंड फॉर 2.5 करोड़ रुपीज एन एकड़. फरीदाबाद में यू डोंट इवन गेट फॉर 15-20 करोड़ रुपीज एन एकड़. इतना डिफरेंस है, मेरा पूरा प्रोजेक्ट लग जाता है वहाँ पे उस पैसे में, जयपुर में 3 घंटे दूरी पे. और मेरे को मारा, मैंने जैसे पहले पढ़ते थे ना कि आपको इंडस्ट्री लगाना तो मार्केट होना चाहिए या रॉ मटेरियल, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. मेरा तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट भी लगाया आपने, हम इसीलिए जयपुर लगा रहे हैं ना, इसीलिए. हाँ, इसीलिए विच इज वन ऑफ द रीजंस वाज मेरा यहाँ लैंड खरीदने में मेरे को जितना लगेगा उतना मेरे को राजस्थान में पूरा प्रोजेक्ट लग जाता है मेरा. सो लैंड को अगर मैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट पकड़ लूँ तो कोई भी इंटरप्राइज यहाँ सक्सेस ही नहीं हो सकता. दैट हैज टू बी योर प्राइवेट डायरेक्ट सेपरेट इन्वेस्टमेंट. आप समझ बंगाल, तुम तो बंगाल क्यों, मैं अभी फिल्म कर रहा हूँ दिल्ली फाइल, तो इट्स बंगाल बेस्ड, तो मैं काफी जा रहा हूँ वहाँ पे. अब वहाँ पे भी लैंड काफी सस्ता है, आपको पता ही है बंगाल में, जो कलकत्ता छोड़ दीजिए तो काफी सस्ता है. लेकिन वहाँ कोई बिजनेस नहीं लगाता है, कहते हैं लगा तो देंगे लेकिन अगर स्ट्राइक होगी तो कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा, हमें कोई फायदा ही नहीं है लगाने का. ये तो अगर ऐसा ही एनवायरनमेंट रहा तो, एंड विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन हाउ विल वी ग्रो, मेरे को थोड़ी चिंता है इस बात को लेके. हाँ, फैक्ट है, बंगाल में भी क्या हुआ ना, दैट होल माइंडसेट बिकॉज ऑफ दैट CPI and leftist mindset फॉर 30-35 years दीज गाइज रूल्ड. पर अभी भी वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट लोग है ना, ममता बनर्जी का शी फॉट कम्युनिज्म को किनारे फेंका, अब वो लोग भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द रीजन वाज कि द सेम पर्सन हु वाज इन CPM टिल यस्टरडे केम पार्ट ऑफ दिस अदर पार्टी, द पर्सन हैज नॉट चेंज्ड. या ये BJP के साथ भी हो रहा है. मैं अभी बनारस जब गया था ना, तो वहां मुझे, मैं गया था लस्सी पीने दुकान में, तो उसने मुझे बताया, कहने लगा भैया, एंड आई वॉन्ट BJP टू टेक केयर ऑफ दिस, तो उसने मुझसे बोला कि भैया पहले जो सपा और बसपा के जो गुंडे हुआ करते थे, अब उनने क्या किया, मोटरसाइकिल में अब कमल का फूल लगा लेते हैं, आते हैं पान खाते हैं, पैसा नहीं देते, निकल जाते हैं, कहते हैं फलानी फलानी समिति के उपाध्यक्ष है, सचिव का समिति, कहने लगे कि क्या बोलते हैं, कोई मोहल्ले का छोटा सा नाम समझ लीजिए, रामकुंज गौ सेवा समिति, झूठ मूठ की समिति, कोई उसका लेना देना नहीं, वो लगा लेंगे, कार्ड छपाएंगे, फ्री का खाना खा लेंगे, फ्री की लस्सी पी लेंगे, गुंडागर्दी करने लगे. ये इंडिया का एक प्रॉब्लम है, यू आर राइट. तो वही लोग ज्वाइन कर गए, वही कर रहे हैं ना. प्लस क्या हुआ कि आपका एक जनरेशन ऑफ स्किल वहां से गायब हो गया, बिकॉज पीपल बंगालीज जिनका स्किल था वो माइग्रेटेड, निकल गए. सो इफ यू लुक, आई हैव सो मेनी बंगाली फ्रेंड्स बट दे आर नॉट इन कलकत्ता, दे आर ऑल अक्रॉस द कंट्री और इवन ग्लोब. तो अब मैं फ्रांस में एक कंपनी में सप्लाई करने के लिए पहली बार मिलने के लिए गया, वहां पे लियोन में, सो दैट वाइस प्रेसिडेंट वाज अ बंगाली. सो नाउ दीस गाइस हैव द टैलेंट हैज माइग्रेटेड आउट ऑफ बंगाल. अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड भी किया जा रहा है, सब उसकी जो कोशिश भी कर रहे हैं, वो टैलेंट ही नहीं है.
That's happened with like US में भी हुआ ना, manufacturing they are trying to revive. अब स्टील प्लांट पूरे के पूरे पिट्सबर्ग एरिया में इतने थे, सब बंद हो, बंद पड़ा हुआ है. चाइना के कारण सब वो जो पिट्सबर्ग डिट्रॉइट कानपुर जैसे हैं, दोनों के दोनों कानपुर गए हो कभी? डेड इंडस्ट्रियल सिटी, उसी की तरह डिट्रॉइट में भी यही हुआ है सेम. अब वहाँ पे वापस मैन्युफैक्चरिंग वो लेके आना चाहते हैं, बट टैलेंट ही नहीं है, देयर नो इंजीनियर्स. बिकॉज वो लोग जब जॉब नहीं थी तो लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी, या इट बिकेम सो एक्सपेंसिव टू गो टू यूनिवर्सिटीज फॉर अमेरिकन कि दे स्टॉप गोइंग टू यूनिवर्स बिकॉज उसके जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था. और बंगाल में वो एनवायरमेंट भी ऐसा नहीं है कि वापस आए लोग. हाँ, तो वो भी वो नहीं है. सो दैट इज वेयर दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम लॉट ऑफ, बिकॉज एक तो परसेप्शन ही ऐसा हो गया. अब चाहे गवर्नमेंट चाहे भी वहाँ पे करने के लिए ना, दैट होल परसेप्शन अबाउट बंगाल हैज बिकम सच कि वहाँ जाएंगे तो परसेप्शन ही जेन्युइन प्रॉब्लम है. मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट केस में मेरी बुक का वहाँ पे एक लॉन्च फंक्शन था कैलकाटा में, कोलकाता में. तो 5 बजे था, मेरे को अनफॉर्चुनेटली फिल्म बनाने के बाद ना मेरे साथ तो CRPF की सिक्योरिटी चलती है. तो क्या होता है, वाइपलेस सिक्योरिटी में उनको हर मूवमेंट का ईमेल ये सब करना पड़ता है पहले से इन्फो, तो उसकी परमिशन मिलती है. तो मेरा 5 बजे फंक्शन था, वो नंबर 1 मॉल है वहाँ का, नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, इस नंबर 1 बिगेस्ट मॉल. 4:30 बजे मैं जब नीचे उतरा गाड़ी में बैठने के लिए, तो उन्होंने बोला सर नहीं जा सकते. मैंने क्यों कहले, वो तो मना कर दिया. अब CM ने मना किया, उनके चमचों ने किया, किसने किया आई हैव नो आइडिया. कहने लगे आप यहाँ नहीं जा सकते, मुस्लिम एरिया में है ये. तो मैंने कहा तो क्या हो गया भाई, मेरे को थोड़ी इंटरेक्ट करना है, वो तो मॉल के अंदर बुक शॉप में जाऊँगा, वहाँ पर लॉन्च है. कहले वहाँ प्रॉब्लम ही हो गया कि गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो लास्ट ईयर की बात है, बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी. तो वो जो इतना एरिया उसके आसपास था, वो सारे के सारे लोग मॉल के अंदर घुस गए. आपने पढ़ा होगा वो न्यूज़, काफ़ी फेमस न्यूज़ थी. वो अंदर चले गए, उन्होंने वहीं से कोल्ड ड्रिंक ले लिए, ये ले लिए, और कह लेंगे हम तो यहीं रहेंगे, हमें तो बाहर बहुत गर्मी लग रही. एंड गवर्नमेंट अलाउड देम, 2-3 दिन वो लोग मॉल के अंदर रहे सब लोग, राइट? यानी एनीबडी कैन सी द डिटेल्स, इट्स अवेलेबल, अलाउ कर दिया. अब आप एक मुझे बताइए कि एक वर्साचे ने या स्वार्सकी ने या नाइकी ने या एडिडास ने, जिसने भी स्टारबक्स ने वहाँ पे इतने करोड़ों रुपए दे के उस मॉल में एक जगह ली, इन्वेस्ट किया, वो एंटरप्रेन्योर, आपने उससे कहा कि फ्री में इनको खिलाओ पिलाओ, ये यहीं सोएंगे, कस्टमर ने जाना बंद कर, कैसे बिजनेस सर्वाइव? चलो मेरे साथ जो हुआ वो तो एक पॉलिटिकल चीज़ है, पर वो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा यार? सही बात है, नहीं कर सकता. आपको एवरीडे का पता नहीं है, देर इज़ अ चैलेंज एवरीडे. आपको जो एक तो रिसोर्सेज का चैलेंज जो है वो है, ये यू डोंट इवन नो कि अभी क्या होने वाला है, पॉलिटिकली क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है. दैट ट्रस्ट वाला जो फैक्टर आ गया ना, वो हर चीज़ में हर जगह पे आपको ऑब्स्टेकल लगाता है, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी करने में. एंड उसके बाद क्या है कि आपका लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दैट्स द बिगेस्ट, यू नो, लॉज हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिंजेंट है. मतलब इतने स्ट्रिंजेंट है कि अगर उसको कानून को यूज़ करने लग जाए तो लिटरली आप मूव ही नहीं कर सकते, इस टाइप के लॉज है. बट वो हम कहीं पर भी किसी जगह, चाहे रोड ट्रैफिक का, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. अभी आई रिमेंबर वन ऑफ माई अंकल्स इन जयपुर आई हैड गॉन, तो वो सीट बेल्ट लगा के जयपुर से हम फरीदाबाद वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ वापस लौट रहे थे. तो उन्होंने वो सीट बेल्ट, जैसे हम जयपुर से क्रॉस किए, सीट बेल्ट खोल दिया. मैंने बोला आपने सीट बेल्ट क्यों खोल दिया? बोला अब यहाँ पुलिस नहीं आती. तो मैंने बोला कि सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए. एग्जैक्टली. आप शहर में तो एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत 20 की स्पीड पे, हाईवे पे आप जब 80 की स्पीड पे चलेंगे तो यू नीड इट मोर. बट दैट होल मेंटेलिटी इज नॉट देयर, बिकॉज देयर इज इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे किसी भी चीज का, लॉ का जो वो है ना, कि हर आदमी को पता कि मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा. मेरे को वो पहचान, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी. मैं हमेशा कहता हूँ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में क्या फर्क है. ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में ये फर्क है कि आप बेईमानी नहीं करते या आप चोरी नहीं करते, ऑनेस्टी हो गई. लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप चोरी नहीं करते, दैट इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मतलब अगर तुमने बोला कि मैं आपको 10 तारीख को सुबह 10 बजे चेक दे दूंगा, पेमेंट दे दूंगा, तो क्या आपको 10 तारीख को 10 बजे आप देते हैं, तो इंटेग्रिटी है, राइट? पर दिल्ली में मैंने काम, मैं दिल्ली छोड़ा क्यों मालूम है, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता था, आपको नहीं बताओ, इट वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजेंसीज इन द कंट्री एट दैट टाइम. मैंने इसलिए छोड़ा, एक किस्सा बताता हूँ तुमको, उसके बाद अपन हेल्थ पे आएंगे. तो एडवर्टाइजिंग में प्रिंटिंग करते हैं, तो जब वो एग्जीबिशंस होती हैं या विंटर्स, ये दिवाली वाली का टाइम है, तो बड़ी प्रिंटिंग होती है. तो कुछ लाखों रुपए का ऑर्डर तो वहाँ ऑटो में भेज दिया करते थे उस वक्त, वो छोटे ऑटो नहीं होते, तो पीछे छोटा सा, वो क्या बोलते हैं उनको, हाथ छोटा हाथी है कुछ ऐसा, छुका समथिंग लाइक दैट. तो हमारा बंदा लेके गया, तो वो डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से चालान कटा के वहाँ पहुँचा, ओखला ओखला कहीं पर डिलीवरी करने जो क्लाइंट थे.
तो उसने बोला अच्छा अच्छा इतनी गर्मी, आओ बैठो और क्या बोलते हैं हम सब करते हैं। उसको नीचे गया चालान साइन करने कि भाई चालान करो तो मैं सामान उतारूं। इस बीच में उन्होंने सारा सामान उतार लिया उसका, अच्छा हाँ सारे उतार लिए। उससे कहने यहाँ चालान साइन करते हैं जरा चेक कर लेते हैं, गए तो ऊपर सामान ही नहीं था। मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सामान ही नहीं था। वो कह रहा सर इन्हें चुरा लिया। वो कहता नहीं जी मैं क्या जानू। और करीब एक महीने बाद मेरे एग्जीबिशन में वही फोल्डर्स और ब्रोशर्स चल रहे थे इस लेवल पे। दूसरा वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट बिकॉज आई वाज रनिंग माय ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पे ही नहीं करते थे लोग, लास्ट का 10-15% देंगे ही नहीं। सही बात है। एडवर्टाइजिंग में 15% कमीशन मिलता है, अगर 100 रुपए का एड छपा तो 15% जो है वो एजेंसी को मिलता है, वही कमाई है। तो 15% कमाई में क्या बुराई है? उन्हें लगता था ये मेरे पैसे खा रहा है तो आपका काट लेंगे, कहेंगे आपको तो 15 मिल रहा है हम 10% काट के देंगे पैसा। नहीं सर आप नहीं कर सकते ऐसा। कहते नहीं लेना है तो लो, नहीं तो नहीं देंगे। फिर चेक देगा आपको, फिर वो मैं 90s की बात हाँ बता रहा हूँ, फिर चेक बाउंस होगा आपका, कई बार बाउंस होता है। तब कोई ऐसा लॉ नहीं था, कहता था कोर्ट चले जाओ। फिर आप अल्टीमेटली वही 10% कटवा के अग्री कर जाते थे। तो आई सेड हेल विद इट। पर मैं बॉम्बे आया, यू वॉन्ट बिलीव इट, मेरा आज तक कभी ना कोई चेक बाउंस हुआ है, ना मेरी कहीं लाइबिलिटी है, ना एक पैसे का मेरे को किसी ने, यहाँ कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ बॉम्बे में। बट दिल्ली आई फेस लॉट्स ऑफ या प्रॉब्लम्स वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है बॉम्बे दिल्ली का, है बहुत थोड़ा। बहुत फर्क है, बहुत एनीवे ये फर्क। सब तो चलता रहेगा, लेट अदर बी। अब मुझे ये बताओ कि जब 95 में तुमने बिजनेस शुरू किया था, व्हाट वाज योर वेट? नहीं उस समय आई वाज नॉर्मल, आई वाज या नॉर्मल। आप बाद जब भी कितने साल पहले हाँ तुमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, व्हाट दैट वाज 2012 के आसपास, वाज योर वेट इन 2012? आई वाज अराउंड 79 80। और अभी? अभी आई एम 67 66। एंड व्हाट वाज योर लाइफस्टाइल एट दैट टाइम? सो बेसिकली क्या हुआ कि जब काम शुरू टेल मी योर किया, स्टोरी, सम हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। जब काम जब शुरू किया तो देर वॉज ऑलवेज स्कार्सिटी, एज आई सेड वी मूव टू फरीदाबाद। तो हमारा जो मतलब किराए के मकान में रहते थे तो वो इतना छोटा सा, हार्डली 900 स्क्वायर फीट का, नो फर्नीचर नथिंग, गद्दा लगा के जैसे लेके एनी बड़ी हु माइग्रेट्स यू नो, उसको यू शुरुआत आर नॉट जैसे। विद योर फैमिली? नो फर्स्ट 2 ईयर्स आई वॉज अलोन, सो देन माई वाइफ ज्वाइंड, आई बट वॉज पेरेंट्स मैरिड डिडंट कम। ना, पेरेंट्स केम मच लेटर व्हेन आई बिल्ट अप माई होम एंड ऑल अच्छा दिस, अच्छा अच्छा बिकॉज वो बच्चे, मैंने अपने बेटे को भी नहीं लेके आ सकता था बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड इट ऑनेस्टली। तो बिकॉज एक प्रिंसिपल बना के गए थे कि हम घर से पैसे नहीं लेंगे, जो होगा अपनी सैलरी से चलाएंगे। सो आई यूज टू गेट दोज डेज, आई थिंक आई यूज टू गेट 2,200 रुपीज़ और कुछ तो भी सैलरी मिलती थी, उसमें 1,000 रुपये के आसपास वो किराए पे चला जाता था जो अपार्टमेंट ले रखा था। बाकी आपका यू नो देवर डेज जब आपके पैसे खत्म हो जाते थे एंड देवर डेज आपको खाना, यू डोंट हैव मनी टू ईट डिनर। तो हम बुआ का घर दिल्ली में, वहाँ चले गए दिल्ली में, तो फरीदाबाद में दोस्तों के घर चले गए। शाम के टाइम जाएंगे तो डिनर पूछेगा ही, खाना खा के जा, खाना खा मैं ऐसे भी यही लेते किया दिल्ली में, दोस्तों रिश्तेदारों के खाना खाओ रोज रात थे। सो दो दो को। चैलेंजिंग टाइम, इट वाज नॉट दैट वी डिडंट हैव मनी, इट वाज बेसिकली एक प्रिंसिपल था कि मैं वहाँ से लेके नहीं आऊँगा, पापा से नहीं मांगूंगा। एक छोटा फंड लेके आया था कि यहाँ पे इंडस्ट्री चला के देखेंगे, एक कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर मैं वहाँ से रिसोर्सेज लेते रहता तो शायद वो स्ट्रगल नहीं होता, कम्फर्ट क्राइसिस जो एक होना चाहिए था वो नहीं होता, एक कंफर्ट क्राइसिस हो जाता था, हम वो आदत हो जाती कि भाई चलो पापा और 50,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आई वॉन्टेड टू अवॉइड दैट, सो दैट रूल वी स्टिल मेंटेन आज भी हमारे फैमिली में। सो माई बॉयज ऑल्सो दे वर्क, सो दे गेट सैलरी आई गेट, सो वी लीव आवर लाइफ विद इन दैट सैलरी, वी डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम द कंपनी। तो वो क्या था कि वो स्ट्रगल का पीरियड था। तो पहले क्या था कि हमेशा ही रहता था कि कैसे भी करके पैसे तो चाहिए, बिकॉज पैसे की कमी कितनी खराब होती है वो मतलब एक्सपीरियंस जब किया ना। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक रनिंग आफ्टर की बिजनेस बढ़ाना है, ग्रो करना है और एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके रखना है, बिकॉज कमाई मेरे को हमेशा, माई ग्रैंड फादर टॉट मी ऑलवेज की यू नो रूल नंबर वन इज की नेवर लूज मनी। सो लूज नहीं करना है किसी भी साल में, हमारा जब टर्नओवर पूरे साल भर का 15 लाख रुपए था तब भी मेरे को पैसे नहीं खोने। तो आप चपरासी भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, सारे काम आप खुद कर रहे हैं, बिकॉज यू नो आप दिन भर शॉप फ्लोर में खड़े हैं, आप सुपरवाइजर भी हैं, फोरमैन भी है। सो वैसे करके हमेशा, तो आई वॉज ऑलवेज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग 80 90 आवर्स ए वीक, सारे काम खुद ही कर रहे हैं आप समझ लीजिए। एंड फिर कभी भी कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई एक इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से सपोज कीजिए, वहाँ की वेबसाइट पे या उनके ब्रोशर आते थे, मैगजीन आती थी कि कहीं जस्ट पे। फॉर द अभी अभी मैंने, इफ यू वांट टू टेल 15 लाख का टर्नओवर अभी कितना होगा, टर्नओवर इफ यू वांट टू टेल टू पीपल, आई वी डोंट नो डू सीक्रेट 100 हो सीआर दैट प्लस अभी। 100 CR। सो सी आई वांट पीपल टू नो, सी यंग लोग जो उन्हें समझना चाहिए स्मॉल टाउन से
और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग रहे होगे पक्का, हाँ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, स्मॉल टाउन, नो बिजनेस बैकग्राउंड, एंड फ्रॉम देयर टू क्रिएट 100 करोड़ थिंग इज फार 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 मोर सक्सेसफुल देन मेकिंग समथिंग फ्रॉम 100 करोड़ टू 1000 करोड़, दैट्स व्हाट आई बिलीव। या तो मेरा भी वही ऑब्वियसली बैकग्राउंड, सेम बैकग्राउंड है मेरा, तुम्हारा फर्क नहीं ज्यादा। वो पहले तो बेसिकली क्या था ना कि आप पहली बार मेरे को याद है क्रेडिट कार्ड मेरा डिक्लाइन हो गया था। सो व्हेन आई अप्लाइड फॉर क्रेडिट कार्ड इट वाज डिक्लाइन। पहली बार जब लोन लेने के लिए गया तो बैंक को दो गारंटर देने पड़े थे मेरे को 5 लाख रुपए के लिए। सो दो इज देयर डिफरेंट टाइम्स यू नो। सो वो आपकी कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं, आपको कोई जानता नहीं। टाउन में हमने जिसको बोला, एक कोई दूर के रिश्तेदार थे कि भाई आप थोड़ा गारंटी दे दो, बैंक में लोन देना है, तो उसने बोले नहीं हमारे तो घर वालों ने मना कर दिया। सो देयर आई नोबडी न्यू यू ऑल्सो ना। वेरी तो टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन प्रॉब्लम अब जैसे जहाँ पे खड़े हमारे बैंक लड़ रहे, टू कि हमसे बैंक ले आप लो। हमसे लो करके यू नो। सो दैट आई ऑलवेज से कि जिसके पास पैसा है उसको ही पैसा दिया जाता है, जिसको नहीं चाहिए उसको, जिसको चाहिए उसको दिया ही नहीं जाता बेसिकली। सही बात है, सही तो बात वो है। उस हेल्थ का पर बताओ अपना। हाँ, तो उस पीरियड में क्या था कि आई वॉज ओनली थिंग आई वॉज डूइंग वॉज वर्क, ना कोई खाने से मतलब है, ना कोई एक्सरसाइज वक्सरसाइज तो कुछ था ही नहीं, वॉक वॉक कुछ भी नहीं था। एंड वो जब फेज चल रहा था, और उसी पीरियड में क्या हुआ कि आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी इन 2010। सो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली यूरोप, US, माल बेचने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जहाँ पे भी कोई मौका दिखा वहाँ जाता था। तो मैं ड्राइव द ओनली वे आई वुड कंपेंसेट माई एबसेंस फ्रॉम होम, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आना, मतलब कभी प्ले स्टेशन ले आया, कभी कुछ सीडी प्लेयर ले आया उस जमाने में था, तो वो घुस देना मतलब, क्योंकि आप टाइम में आई नेवर आई मीन नथिंग ग्रेट टू से अबाउट इट, बट आई नेवर अटेंडेड अ सिंगल पीटीएम ऑफ माई बॉयज। आई नो टाइम, सैटरडे तो मैं सोच ही नहीं सकता था, संडे भी ऑफिस जाते थे। तो उसके बाद ऐसे ही मैं एक बार न्यू जर्सी जा रहा था न्यूयॉर्क से ड्राइव करके जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के ऊपर, आई वॉज पार्ट ऑफ ए कार क्रैश। सो दे वर लाइक 15-20 कार्स का पाइलअप हो गया एक के पीछे एक, माई कार वॉज द लास्ट वन, एंड इन दैट एक्सीडेंट कपल ऑफ पीपल डाइड ऑल्सो। बट मेरे को एज सच कुछ नहीं था एक्सेप्ट एयर बैग खुले उसके कारण, इम्पैक्ट है। हाँ जो इम्पैक्ट था, हीट था, थोड़ा स्क्रैचेज वैचेज थे, ब्रूशेज थे। एंड देन आई केम बैक, वो समय तो सजा वहाँ पे ऑल द पुलिस एंड द मेडिकल पैरामेडिकल एवरीथिंग दे मिनटों केम में आ इन टू जाती है। मिनट्स हाँ एंड दे सेड टू टेक मी टू द हॉस्पिटल एंड ऑल दिस। आई सेड नो आई वॉन्ट टू गो बैक होम। उस दिन रात की फ्लाइट थी मेरी वापस इंडिया, दैट्स वाई आई वॉज गोइंग टू न्यू जर्सी, वहाँ कज़िन रहता है उसके पास जाके फिर वहीं से न्यूयॉर्क से एयरपोर्ट से फ्लाई करने का प्लान था। सो घर आया, यहाँ पे आने के बाद लाइफ वैसे ही नॉर्मल शुरू हो गई, वही ट्राई ट्रैवल हेक्टिक लाइफ यू नो, नेवर माइंडफुल। मतलब आप 24 घंटे, उस समय वो पाम ट्री हो या ब्लैकबेरी या कोई तो भी उस समय फ़ोन रहता था, वो तो यू आर 24/7 एट वर्क, क्योंकि हमारे US कस्टमर्स हैं, तो रात भर भी आप लाइक रिप्लाइंग टू द ईमेल वाज कि अभी कभी जवाब उसको चाहिए ही चाहिए, मतलब यू नो मैसेज का, ये मटेरियल कहाँ है, माल कहाँ वो है। ब्लैकबेरी था ना पहले, हाँ वो तो ब्लैकबेरी है। मैं और मेरे दोस्त लोग, मैं हमेशा, हम लोग मजाक करते थे एयरपोर्ट पे, कहते जैसे कर देख, अगर इसने उतरते ही सर ब्लैकबेरी पे कुछ टाइप करना चालू किया तो पक्का कॉरपोरेट बंदा है। तो वो 24 घंटे ईमेल चलता वो ब्लैक पे एक पाम ट्री भी आता था, एक ब्लैकबेरी था। आता, हाँ कोई या दोनों दोनों जीत थे मेरे पास कभी ना कभी। सो वो सब करके एक बार जब वो कार क्रैश हुआ तो आई वॉज इन रिहैब यू नो। तो 3-4 महीने तो मैं उसके बाद भी एक्टिव लाइफ जी रहा था। अचानक एक दिन मैं खड़े खड़े, मेरे से मेरे पैर ताकत नहीं ले पाए, मैं गिर गया। अच्छा हाथों में ताकत ही नहीं थी कि मैं पेन पकड़ सकूँ। सो देन आई यूजली गो टू द जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर, वो 10-15 दिन की दवाई दे दी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इन द मीनवाइल आई ट्रैवल टू जर्मनी कपल ऑफ टाइम्स उसी उसी पीरियड में। देन एक दिन मेरे को जब टेनिस खेलता था मैं उस तो टेनिस कोर्ट पे मैं खड़े खड़े गिर गया मैं। सो देन आई वेंट टू, आई सेड कुछ सीरियस है, सो आई वेंट टू हॉस्पिटल अपोलो में गया, तो वहाँ पे उन्होंने जनरल फिजिशियन ने न्यूरो के पास भेजा, न्यूरो ने MRI किया, तो MRI करने के बाद दे फाउंड दैट आई हैव ब्रोकन माई C4 C5 एंड स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कंप्रेस करके पंक्चर कर रखा था। सो मेरा ब्लड का फ्लो जो था ही नहीं, मतलब लिटरली आप एक्सरे आप देखोगे तो ऊपर तक खून आ रहा होता है और उसके बाद ड्राई सा हो गया जैसे। सो मेरा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड वॉज ऑलवेज इन पेन, एंड पाँव के नीचे भी ना एक कॉटन वूल का फील जैसा रहता था। सो दे वेर सर शॉक्ड कि मैं इतने दिन तक कैसे सर्वाइव किया फ्रॉम दैट क्रैश, बिकॉज आई शुड हैव गॉन इन टू पैरालिसिस एक्चुअली। सो बट देन इमीडिएटली आई वॉज टेकन टू द OT, एंड देन 2-3 दिन बाद मैक्स में आई गॉट सर्जरी, एंड आई डेंट गेट इट डन इन अपोलो, बट मैक्स में किया तो वहाँ पे दिल्ली में सर्जरी किया, दे कट फ्रॉम हेयर, सो आई हैव कट हेयर, सो आई हैव टाइटेनियम डिस्क। सो वो
उसको खोलने के लिए ना, स्क्रू एक्सीडेंट के कारण हो गया था ये। हाँ। पता नहीं चला, तब कुछ नहीं पता चला मेरे को, वो तो बहुत दिनों बाद। अंदर इंटरनल इंटरनल था वो, बाहर तो कुछ था नहीं फिजिक, मतलब कुछ ऐसे बाहर से कुछ ना, हाथ टूटा ना पाँव टूटा, इंटरनल जो था वो। सो देन आफ्टर दैट आई वॉज इन रिहैब फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। सो एक साल जब उस समय मैं घर पे था बैठा हुआ एंड ये था, तो मैंने बोला जिंदगी में किया क्या, यू नो लाइक दिस नथिंग इधर देन वर्क, कुछ नहीं किया। और अगर मेरे को उस दिन कुछ हो जाता तो वाइफ को कुछ पता ही नहीं था कि मैं करता क्या हूँ, पैसे कहाँ है, क्या बिजनेस है, बच्चे बहुत छोटे थे उस समय, दिस इज 2009। सो उस समय किसी को उनको कुछ पता ही नहीं था, तो मैं बोला इनको भी क्या मिलता, मतलब देयर इज नथिंग। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेरा 1,10,00,000 रुपए का उस समय डेट था, तो राइट अ चेक, डेट था हाँ, तो राइट अ चेक एंड आई सेड कि पहले इसको तो क्लियर करो, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड साल भर तक मैंने फिर बोला कुछ तो नया जिंदगी में ट्राई करना है, यू नो। सो कुकिंग करना सीखा, तो ड्रम्स बजाना सीखा, पियानो बजाना सीखा। ओह रियली? सो यू नो ऑल दोस थिंग्स, ताकि यू नो जिंदगी में और कुछ करे। बजाते हो? हाँ अभी भी बजाता हूँ थोड़ा बहुत। तो सो तो वो सब चीज़ें ऐसे करके टाइम, पेंटिंग करना सीखा, कुछ नया सीखना करके ना, वॉन्टेड टू फाइंड माई पैशन बेसिकली, कि मेरे को किस में मज़ा आता है करके। तो उस समय ये भी रियलाइजेशन था कि अब मतलब वाइफ को ऑफिस भेजना शुरू किया, शी लेट हर अंडरस्टैंड, 2-3 साल तक शी वेंट टू ऑफिस एंड आई वॉन्टेड टू मेक इट ए कम्प्लीटली प्रोफेशनल कंपनी नाउ, मतलब बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन मी। सो यू नो सो स्टार्टेड हायरिंग पीपल, राइट पीपल, कैसे बना के एक टीम बनाई जाए, यू नो, जो इसको आगे ग्रो कर सके। एंड वो एक साल के बाद देन आई थॉट कि एक बड़ा इंश्योरेंस लेता हूँ, यू नो, कि अब ऐसा कुछ हो जाए तो एटलीस्ट माई फैमिली इज प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू हेल्थ चेकअप, व्हेन यू टेक ए लार्जर हेल्थ। जब हेल्थ चेकअप किया तो आई वॉज शॉक्ड, एवरी पैरामीटर वॉज आउट ऑफ रेंज। अच्छा, माई ट्राइग्लिसराइड वॉज ऑलमोस्ट 400+, कोलेस्ट्रॉल वॉज 300 के आसपास, यूरिक एसिड वॉज 9 point something, ब्लड प्रेशर यूज टू बी 160, उसके पहले कभी चेक ही नहीं किया। सो सारे पैरामीटर्स ऐसे आउट ऑफ रेंज थे एंड द डॉक्टर वॉन्टेड टू स्टार्ट ऑन मेडिसिन, कि आप कोई दवाई ये सब शुरू करो। और उस समय मेरे को ना यार, आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन मेडिसिन राइट नाउ, इट्स आई एम जस्ट लाइक यू नो 43-44, क्या और तो हो सकता है। बोले आप 2 महीने बाद फिर चेक कर लेना, आप तब तक वॉक वॉक कर ये सब शुरू करो। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द पार्क, घर के पास में पार्क है, वाइफ वॉज एडमेंट कि आपको चलना ही पड़ेगा, यू नो। तो वो 100 meters भी मैं चल नहीं पाता था, 100 meters चलने के बाद आई यूज टू फील टायर्ड एंड आई यूज टू सिट डाउन, यू नो, बेंच में बैठ जाते थे। फिर थोड़े दिन बाद एक बार अपने आप को शीशे में देखा तो मेरे को शॉक लगा, एक बार लुकिंग ओबीस, गाल ऐसे फूले हुए, यू नो, एंड ब्लड रिपोर्ट्स खराब थे। मैं बोला व्हाट हैव आई डन टू माय लाइफ, यू नो, मतलब पहले कितना स्मार्ट लगते थे और अब ये कैसे कैसे बना लिया करके। आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सो हमारे, आई वॉज लक्की दैट हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर है, दैट गाय माई सन्स फ्रेंड बेसिकली, ही यूज टू प्ले बॉक्सिंग फॉर इंडिया, तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने उसको बोला राजीव यार, तू दिन भर जिम जाता है, बॉक्सिंग करता है, तेरे अंकल देख कैसे बूढ़े बूढ़े दिखने लगे, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। उसने मेरे को वहाँ से जो हाथ पकड़ा ना, 2 महीने उसने छोड़ा नहीं मेरे को। एवरी डे मॉर्निंग ही विल टेक मी टू द जिम, टू द पार्क, थोड़ा सा दौड़ाया, थोड़ा सा ये किया। वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ देता था किंतु मेरे को लेके गया। 2 महीने में आई सॉ दैट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, थोड़ा सा यहाँ से फैट कम हो गया, स्टार्टेड लुकिंग गुड, यू फीलिंग गुड, यू नो। तो थोड़ा 2-4 kilos वजन कम हो गया, तो आई सेड ये तो बढ़िया चीज़ है। सो वो जो नशा लगा, इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 13-14 years, आई डोंट मिस माई वर्कआउट। आज भी सुबह आए हैं आपके फ्लाइट पकड़ने के पहले। कितने दिन करता होता है? आई डू ऑलमोस्ट 5-6 days, सो आई गो टू द जिम, आई मीन आई हैव ए होम, अब तो घर पे जिम बना लिया मैंने पूरा। सो आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 days a week से और 4 days a week, 2-3 days रनिंग करते हैं। अच्छा, कितना, हाउ मच यू रन? आई डू मैराथन्स एंड ऑल दोस। सो अच्छा, तो पैशन बन गया लाइफ का। हाँ, फिर वो था कि अब करना है। सो दैट वाज व्हेन आई डिड ए होल। एंड यू आर अ वेजिटेरियन? या आई एम अ वेजिटेरियन। तो मेरा भी यही समस्या है, मेरे को अभी मजबूरी में, मैं आई हैड, मेरे को मेनिस्कस हो गया था पाँव में, एंड नी, आप जो कार्टिलेज होता है ना, दैट इज द ओनली बोन विच कैन नॉट हील। तो ओवर एक्सर्शन से या उस करके, जैसे शॉक एब्जॉर्बर होता है ना गाड़ी का, वैसे तो क्रैक हो जाती है, तो उसका एक ही ऑप्शन है उसे काट के निकालो। तो मैं बहुत वॉक करता था और आई यूज टू, मैं बहुत करने लगा था, 10-10, 12-12 kilometers। तो रोज़ करने लगा तो अच्छी बात नहीं है, एक एज के बाद आई थिंक आफ्टर 40-45 नहीं करना चाहिए। तो मेनिस्कस हो गया मेरे पाँव में, एंड मेरे को समझ में आया कि बॉडी इतनी फ्रेजाइल होती है कि एक सेकंड में चेंज हो जाती। अब
अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं बड़ा सात्विक, उस पर मैं बाद में बात करूंगा फूड पे, पर जस्ट टू कीप इट शॉर्ट, तो मैंने पढ़ा सात्विक का जो इंडिया में है ना धर्म के साथ जोड़ दिया, बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर सात्विक को हमने ऐसा जोड़ दिया कि सात्विक खाने का मतलब है प्योर वेजिटेरियन एंड ऑल दैट। फिर मुझे अभी एक योगी कम डॉक्टर, डॉक्टर हु लर्न साइंटिफिक योगा एंड ऑल, उससे मेरी मुलाकात हुई थी, तो ही सर तुम प्रोटीन कैसे कंज्यूम करोगे, तुमको अलग लेवल पे चाहिए, तुम्हें 10 चीज़ों से तो एलर्जी है, ये है वो है, तो ही टोल्ड मी कि दैट यू स्टार्ट ईटिंग फिश, फिश इज द प्योरेस्ट सात्विक फूड, आई मीन उसमें बाद में बात करेंगे, लोग समझेंगे नहीं उसको, तो मेरी मजबूरी हो गई, अदरवाइज मेरा भी यही प्रॉब्लम है, वेजिटेरियन लोगों की इंडिया में समस्या है, मुझे अब बाहर जाके इंडिया से इतनी समस्या नहीं होती जितनी इंडिया में होती खाना खाने की, क्योंकि हम क्या करते हैं ना वेजिटेरियन नाम पे वही बटर पनीर और वही वेरी अनहेल्दी फूड यू गेट आउटसाइड, एनीवे उसको मारो गोली, बाद में बात करता हूँ मैं अपने बारे में, यू टेल मी। तो बट डिड इट ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग, योर लाइफ स्टाइल, योर रिलेशनशिप, डिड इट हैव इम्पैक्ट ऑन अदर्स एरियाज ऑल्सो और नॉट? Not exactly to start with. It was more of a physical thing which I was working नहीं, on. पर धीरे धीरे what has it impacted your working That was mind? a separate chapter which happened was actually क्या था कि मेरे को बच्चे उस समय टीनेजर हो रहे थे, the elder one was teenager से after some time and factory के challenges, we are growing very fast. After that suddenly you know when it started to take off then initial struggle के बाद we are growing very fast. So उसके challenges रहते थे, failures होते थे, ऑर्डर टाइम से नहीं जा रहा है, ऑर्डर ज़्यादा ले लिया, कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर, मतलब ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग, एंड सिमिलरली इधर बच्चों के टेंट्रम्स लगते थे उससे, बिकॉज द टीनेजर इज ऑलवेज डिमांडिंग यू नो, एंड आप उसको टाइम भी नहीं दे रहे हो तो आप उसकी इमोशनल फुलफिलमेंट, सो देर वॉज ऑलवेज सो मच ऑफ एंगर आई हैड यू नो इनसाइड मी, एंड देर यूज टू बी सिचुएशन वेयर आई यूज टू बीट अप पीपल यू नो, कि मतलब सड़क पे, मेरे को याद है एक बार मैं और सिस्टर जा रहे थे नोएडा डिनर करने के लिए, ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी खड़ी थी, हमारे पीछे से आके किसी ने मार दी, और वो गाड़ी से उतरा, मैं वो पीपू आ गया था वो पीछे वाला, गाड़ी से उतरा मैं हिंदी फिल्म स्टाइल में ना वो पूरा पिटाई लगा दी, पिटाई लगा दी सड़क के चौराहे के बीच में उसको, ऐसे एक बार मेरे को याद है कि सबवे में किसी एक बंदा वहाँ काम करता था, उसने मोबाइल चोरी कर लिया वहाँ पे, मेरे कजिन काम गए थे पूरी फैमिली, और वो बैटरी वैटरी निकाल के उसने इधर उधर फेंक दिया, उस समय वो मोबाइल का जो आता था बैटरी अलग आपने सूद दिया उसको, वहीं पे स्लैब में तोड़ ताड़ के सर्वर फोड़ के उसने मोबाइल भी बिटर, मैंने दैट होल एंगर फ्रस्ट्रेशन, मैं घर के शीशे फोड़ देता था, आई हैव कट्स हियर यू नो, ओह माय गॉड, टीवी फोड़ दिया कभी, दो ऑल दोस यू नो, इमोशनली आई वाज वेरी इन ए फ्रेजाइल स्टेट, फिजिकली आई वाज लुकिंग गुड यू नो, एंड देन माई वाइफ सेड लेट्स गो टू अ काउंसलर, सो आई वेंट फॉर सम काउंसलिंग सेशंस, लाइक 12-13 सेशंस के लिए आई वेंट टू अ डॉक्टर बेसिकली टू गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, that I mean that cured me a lot you know, so that then I realized the importance of emotional health, ki jitna aapka physical health important hai utna hi mental and emotional health aapki you know calmness ke liye, aapki growth ke liye, aapke you know life mein fulfillment ke liye, in fact more important I'll say that you know physical everyday it's getting affected if you are not emotionally and you know stress mein agar aap hain, mentally aap challenged hain, to wo zyada harm karta hai basically, so that is when actual transformation started honestly I'll say you know, in fact कितने साल हो गए इस बात को, दिस वाज आई थिंक 2016-17, तो 8 साल हो गए, तो कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं कि 6 महीने हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, तो हो गया, तो इट्स लॉन्ग टाइम, या या, तो व्हाट डिड यू डू, सो बेसिकली इन फैक्ट आफ्टर दैट माय कंपनी हैज ग्रोन 4 टाइम्स, आई मीन से कि जब से मैं काम हुआ हूँ या जब से मेरा सिस्टम लगा है, सो द ट्रस्ट हैज बिल्ट अप, द टीम इज देयर यू नो, नो मोर चिल्ला चिल्ली एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग, सो फैमिली लाइफ इज वे बेटर यू नो, बिकॉज नाउ there is a conscious effort you know that family first so in fact jab abhi hamare kya 6 generation se we are one boy one girl one boy one aapki dadi thi aapke sath nani tum kafi photo dalte the unko hug karte ho unke she was to mujhe face bhi yaad aa raha hai unka how old was she she was 94 kehte hain bacche aur boodhe log jo hai wo sabse zyada heal karte hain broken hearts ko broken logon ko to ha to tell me then so basically now family first was the agenda So I got my parents back from Purulia, which I'll say my grandparents. मैं उनको भी बुलाया यहाँ पे. So now to because financially I was in a way better situation. So I created an atmosphere where 5 generation could you know like we eat the same food. I mean we eat together, but we don't eat the same food. You know because हमारे घर पे we are like we are very
डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेरियन जो पुराने होते थे, प्याज भी नहीं आता था। मैं जानता हूँ, मेरे घर में भी प्याज लहसुन कभी नहीं आया था। 3-4 साल 5 साल पहले तक प्याज नहीं आता था हमारे घर पे। और फिर जब छोटा बेटा आया बाहर से पढ़ के और ये कर करा के आया था, ही वॉज यूज टू ईटिंग ऑनियंस, यू नो। सो जब वो उसको प्याज का खाना खाना है और वो मैं रोज हुआ ना बाहर से फूड आने लगा ऑर्डर होके, तो जब बाहर से 10 दिन महीने में 15 दिन बाहर से आने लगा था, आज मैं वाइफ ये रोज बाहर से खाना क्यों आ रहा, लाइक ये वे कुक एंड एवरीथिंग, वाई इज ही ईटिंग फूड, बोले उसको प्याज का घर का खाना भा नहीं रहा उसको। देन यू हैव टू सिट डाउन विथ योर ग्रैंड मॉम विथ डैड एंड ऑल दिस एंड यू टॉक अबाउट इट, की वॉट इज आवर प्रायोरिटी, डू वी वॉन्ट द फैमिली टू बी टुगेदर, यू नो, देन लेट्स सेव ऑनियंस, यू नो, आई मीन आप एक चूल्हा और कर लेते, गैस और लगा लेते, कुक और चाहिए, कुक और कर लेते, चूल्हा बाहर लगा देते किचन के, मतलब वी मेक ए बिगर किचन, वॉट एवर इट्स टू बी डन, बिकॉज देर इज सो रिसोर्सेज अवेलेबल टू अचीव दैट, यू नो। सो दैट बिकेम द फोकस की फैमिली फर्स्ट इन एवरीथिंग। एज आई वाज सेइंग कि मेरे 5-6 जनरेशन हम एक लड़का एक लड़की थे, नाउ आई हैड 2 सन्स, यू नो, सो नाउ दैट वॉज समथिंग जो हमने कभी फेस नहीं किया। So one thing I learned during this whole phase was difficult conversations. You don't talk in your family. तो वो जब हुआ तो हमने डिसाइड किया कि हम जयपुर प्लान लगा रहे हैं से, बट हम वहाँ जाके कोई नहीं रहेगा। वी आर नॉट ए बिजनेस फैमिली, वी आर ए फैमिली बिजनेस, द फैमिली कम्स फर्स्ट। सो अगर हम 5% प्रॉफिट कम भी कमाएंगे, रहेंगे हम एक छत के अंदर। वाह, अगर जयपुर जयपुर का प्लांट हमारा बहुत सक्सेसफुल हो गया, हो सकता है हम सारे के सारे फरीदाबाद से जयपुर शिफ्ट हो जाए, हु नोस, यू नो, बट फ्यूचर को, बट आवर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कि हम रहेंगे एक साथ। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मेरा जो सारे ब्लड मार्कर्स ओके हो गया, जैसे मैं बहुत ब्लड मार्कर्स खराब थे, दे बिकेम वेरी, यू नो, ऑप्टिमल, यू नो, इनफैक्ट मेटाबॉलिकली आई एम 13 or 14 years यंगर देन माई बायोलॉजिकल एज। सो यू कैन नाउ इट इज, यू नो, यू कैन फाइंड आउट कि आपका क्या ब्लड रिपोर्ट से दे टेल यू कि आपका मेटाबॉलिकल एज क्या है, आपका इंटरनल एज क्या है। सो दैट आई फाउंड आउट कि ये जो बीमार होते हैं हम आज की डेट में, वो ज़रूरी नहीं है, हम अपने कारणों से बीमार होते हैं। इफ़ यू डू अपस्ट्रीम वर्क, यू विल नॉट गेट सिक, बेसिकली। सो दैट बिकेम माई होल पैशन, दैट्स हाउ माई ट्विटर अकाउंट फ्लोज, और यू नो, इफ दैट बुक इज ऑल दिस अबाउट, और यू नो, दैट्स व्हेन आई वेंट बैक टू कॉलेज एंड आई सेड कि मेरे को इस पर अब कोर्स करता हूँ मैं। If I tell people कि if you do a certain lifestyle, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। Now you are a level 2 health coach. Yeah, yeah. So I went back to, you know, college online basically. The whole COVID का thing. You studied all this? Yeah, yeah. So I went, I became a, I did a nutrition का course. Then I did course on sleep, recovery, stress management. Then I became a level 2 coach. Level 2 coach is when you are not just talking physical health, you are talking deep health. So you are talking environmental health, your social health, relationship health. You are talking about your mental health, emotional health, you know, spiritual health, which is again, you know, believing in a superpower, you know, there. And obviously physical health is part of it. So these 6 avenues, so I became a coach who was trained for deep health. And started to propagate that, you know, that आप बीमार नहीं होना आपके हाथ में। यू डोंट नीड टू। मुझे मैं जब बॉम्बे आया तो मुझे बहुत एलर्जी हो गई। मैं 30 साल हो गए बॉम्बे में आए हुए, जवानी में ही आ जाते हैं लोग। तो मेरे को क्या था, हम सी के पास रहते हैं, आई डोंट नो किस कारण से, आज तक नहीं पता, सुबह उठ के मैं 2-3 घंटे सिर्फ छींकता था, पानी बह रहा है आँखों से, कॉफ एंड ऑल दोज थिंग्स। और मेरे को बचपन से रूमेटिक फीवर हो गया था, थोड़ा सा एस्थमेटिक था अभी मैं, एट अ सबलिमिनल लेवल आई वॉज एस्थमेटिक। तो ये चलता रहा बहुत, और मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी ख़राब होती थी कि दोपहर को 1-2 बजे तक मैं दिल्ली जाता था, तो धूल है दिल्ली में बहुत, डस्ट है ना वहाँ पर, ड्राई डस्ट, उससे हो जाता था। तो मुझे 2-3 बजे तक तो मैं काम नहीं कर पाता था सेटल होने में, बहुत परेशान था। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत कुछ किया, पर मैं एक्सटर्नल चीज़ें ढूंढ रहा था। मैंने लिखा भी था इसके ऊपर एक आर्टिकल, लोग यकीन नहीं करते हैं कई बार, हो सकता है ये सब झूठ हो, गलत हो, दिमाग हो, मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं कुल्लू और मनाली के बीच में एक जगह है, वहाँ रुकता हूँ, रुकता था, अभी 1-2 साल से नहीं गया हूँ, कोविड के बाद नहीं गया, पर मैं हर साल वहाँ 1 महीने जाके रहता था, अपना लिखने के लिए, रिसर्च के लिए, क्रिएटिव काम के लिए। तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, ऐसे उस तरह की योगी नहीं, यानी रिलीजियस टाइप के योगी नहीं, पर द रियल जेन्युइन पर्सन। उसने मुझसे कहा, देखो आधे से अधिक प्रॉब्लम्स जो हैं, बीमारियां इस दुनिया में इसलिए हो रही हैं कि हम लोग जो हैं अपने एनवायरनमेंट से लड़ रहे हैं। करेक्ट, आप ह्यूमिड जगह में रहते हैं, तो ह्यूमिड जगह में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी से स्वेटिंग हो, पसीना हो, निकले
नहीं तो आप पूरे टाइम अगर ड्राई उसमें रहेंगे एसी में तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर इफ़ यू लिव इन अ वेरी हॉट प्लेस और हर समय एसी में रहोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा, और बहुत ठंडी जगह में हो और हर समय हीटर जला के रहोगे तो प्रॉब्लम। तो ही सेड व्हाई डोंट यू ट्राई वन थिंग कि तुम जहाँ भी जाते हो, तुम ट्रैवल बहुत करते हो, जहाँ जाते हो वहाँ का जो भी रूम टेम्परेचर का पानी आता है शावर में उससे नहाओ, एक चीज़ तो ट्राई करके देखो तुम। तो मैंने कहा अरे यार गुरु मैं यहाँ कुल्लू में साला 2 डिग्रीज और 3 डिग्रीज और मैं नहीं कर सकता हूँ। कहना जब तुम्हारे को सही लगे करो। देन आई केम टू बॉम्बे, मैंने बॉम्बे से शुरू किया एक्चुअली। पहले हम गर्म पानी से नहाते थे, शावर एक मज़ा उसका अलग है। अमेरिका से आया था तो ट्रेनिंग हुई थी अमेरिका में, सब 12 महीने गर्म पानी और वेरी हॉट शावर एंड ऑल दैट और 24/7 AC। तो फिर वहाँ से मैंने चेंज किया एक्चुअली। ये बैठे हैं मेरे ऑफिस के भी लोग, ये भी चिढ़ते होंगे, मैं एसी से नफरत करता हूँ, मुझे अभी मैं बैठा हूँ ये एसी चल रहा है, आई हेट इट। मैंने वो धीरे धीरे ट्राई किया, अब तो मैं जहाँ जाता हूँ मैं हॉट शावर कभी लेते ही नहीं, जो नेचुरल टेम्परेचर है उसी में नहाता हूँ। एसी आई अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। मैं जितनी फिल्में हैं मैं -sub-degree में शूट करता हूँ, बट आई ट्राई नॉट टू कीप हीटर्स। मैं लंदन में रुकता हूँ सेंट जेम्स में, तो विंडोज़ खोल के दिसंबर के महीने में विंडोज़ खोल के रखता हूँ। अब मेरा वो लाइफ स्टाइल बन गई, दिस इज माई लर्निंग एंड आई लर्न कि हम भी तो नेचर ही हैं। हमने क्या कर लिया, हमने कहा माइंड एंड बॉडी दो चीज़ों को अलग किया, इसे ना हमने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ऐसे अलग कर लिया। एक ही चीज़ है, एक ही आदमी तो कर भाई। अब वो लाइट चल रही है, उससे आप बल्ब जलाओ चाहे पंखा चलाओ, करंट तो वही है, पावर तो वही है। हमने कह दिया ये दो अलग चीज़ें हैं। तो मुझे वो बोला उसने योगी ने, यानी रियल योगी, नॉट दिस गेरुए वस्त्र वाला योगी नहीं, रियल। तो उसने मुझसे बोला, तो मैंने चालू किया फिर टेम्परेचर, एसी मैंने बंद कर दिया। मैं अपने ऑफिस में खिड़की हमेशा खिड़की खोल के बैठता था, मेरी बीवी आती नहीं थी अंदर, वी वर्क टुगेदर। तो तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगी यार, इतना गर्मी का मौसम है, इतना ह्यूमिड हो रहा है। आई सर अब मेरे को तो अच्छा लगता है। तो पर मेरी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई, जिसके कारण मैं कम से कम 6-7-8 साल सफ़र किया। सफ़र मतलब भाई सफरिंग होती है, आप बैठे हैं आपको पहनियो आप छीके, मतलब नॉन स्टॉप स्नीजिंग, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो गई थी, एकदम ठीक हो गई। तो जब वो हुआ तो दैट गेव मी अ मोटिवेशन टू रीड एंड स्टडी अबाउट बॉडी। मेरी नल अवेयरनेस थी बॉडी को लेके, एंड टुडे आई कैन कंक्लूड इजीली दैट ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट ओबीडियंट थिंग इन द एंटायर यूनिवर्स। आप उसको जैसा चाहो वैसी बन जाएगी, जैसा चाहो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एब्सोल्युटली, मैं आप जो अभी एलर्जी की बात करें, सेम वाज विद मी। आई वाज एलर्जिक टू मशरूम। मैं भी हूँ, आई एम स्टिल एलर्जिक टू मशरूम। अच्छा, मेरे मशरूम खाते ही रैशेज हो जाते थे। हाँ, और आई वाज एलर्जिक टू खीरा, तरबूज, यू नो ऑल दोज थिंग्स। मैं जैसे कुछ वो खाता था ना, मेरे को पूरा गैस्ट्रिक हो जाता था। एवरी मंथ एसिडिटी टाइप्स। हाँ, एसिडिटी हो जाता था भयानक। एंड देन नाउ आई डोंट हैव एलर्जी टू एनी ऑफ दीस थिंग्स। मशरूम से कैसे की, मुझे बता दो यार। जस्ट इम्यूनिटी इंप्रूव करते गए, जो आप बोल रहे ना। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज आई सेड वी हैव इज कंफर्ट क्राइसिस। तो मैं ट्राई करके, क्योंकि मैं कॉफी से मुझे एलर्जी हो गई थी। मैं कॉफ़ी पीता था और एसिडिटी होती थी। तो अभी 30 साल के बाद मैं एक दिन ऐसे ही 3 महीने पहले मैंने कहा यार एक पीता हूँ, एसिडिटी होगी तो दवाई ले लूँगा देखूँ तो। और मैं 3 महीने से सिर्फ कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैंने चाय नहीं पी। हाँ, ट्राई करके देखो, ऐसे ही किया मेरे को भी एक बार, ट्राई करके देखा मैंने, कुछ नहीं तो, कुछ नहीं। अब तो मैं रेगुलरली खाता हूँ, मशरूम खाता हूँ, खीरा खाता हूँ, सैलड तो रोज़ रात का डिनर मेरा सैलड ही होता है, तो रोज़ खीरा खाते हैं। तो वो कुछ जस्ट आउट ऑफ दैट, बिकॉज दैट इम्यूनिटी हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच कि अभी जो भी आपके पैथोजन है, जो तो ये एलर्जी इम्यूनिटी के कारण है। बिकॉज आपकी बॉडी फाइट बैक नहीं करती है आपको, तो दैट्स वेयर कहीं ना कहीं पे कोई गट माइक्रोबायम आपका है या कुछ भी है जो आपका जेनेटिक तो है नहीं, आउट ऑफ सिंक है सिस्टम में। वो जब आपका इम्प्रूव करता है, सो आप जब उसको राइट न्यूट्रिशन देते हैं, आप वो कम्फर्ट क्राइसिस जो आप बात कर रहे थे, कम्फर्ट लाइफ से बाहर निकलते हैं, चैलेंज करते हैं अपने आप को। सो ऑब्वियसली बॉडी को जब भी आप स्ट्रेस देते हैं, कंट्रोल स्ट्रेस देते हैं, सो योर गुड माइक्रोबायोटा, यू नो दे इम्प्रूव, उसके वो क्वांटिटी बढ़ती है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे पुराने ज़माने में शेर आया तो आपका ग्लूकोज स्पाइक हो जाता है, यू नो, एंड बिकॉज आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आँखें बड़ी हो जाती है, इट वॉन्ट्स यू टू रन अवे और फाइट। सो इट गिव्स यू ऑल द एनर्जी पॉसिबल। सो आप चाहे शेयर देख रहे हो, चाहे आपको कोई ऐसा कोई थ्रेटनिंग ईमेल आ गया है, आपका ऑर्डर चला गया, वाइफ से झगड़ा हो गया है, बॉडी बिहेव द सेम। तो डीएनए की मेमोरी है वो, तो आप चेंज नहीं कर सकते। वो ऐसे ही बिहेव करेगी। इनफैक्ट आई हैड अ वेरी गुड डाटा व्हेन आई यूज्ड टू रीड भगवत
Puran to my grandmom every day half an hour. तो I was wearing a CGM जो continuous glucose monitor होता है, मैंने साल भर लगा के रखा था just to monitor कि मेरे को कौन सा food affect कर रहा है, मेरा stress level क्या है and all those things. यार बताओ ये क्या 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 करना होता है, क्या what is it? ये एक patch आता है. हाँ. Continuous glucose monitor आता है, यहाँ पे इंडिया में भी मिलता है. So you wear it. लगा के रखते हो आप? हाँ, वो आप परमानेंट लगा लेते हो. तो व्हाट इट शोज यू सम लेवल्स ऑन द फोन, ऑन योर फोन स्क्रीन यू सी एवरी टाइम कि आपने कुछ खाया तो उससे आपका ग्लूकोज कितना स्पाइक किया. सो आई गॉट वेरी इंटरेस्टिंग डाटा, लाइक जैसे मेरे को किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का पनीर जब भी मैं खाता तो मेरा ग्लूकोज स्पाइक हो जाता. अच्छा. सो नाउ अभी शकरकंद खाने से जबकि हेल्दी है. कहाँ मिलता है ये? देयर ब्रांड्स अल्ट्रा ह्यूमन का आता है इंडिया में. So I wore that and I used it for almost a year. And वो एक साल में मेरे को इतनी interesting data निकल के आया, शकरकंद से मेरा glucose spike हो जाता है, suppose कीजिए. So वो मतलब it goes beyond what it should be ideally होना चाहिए. So I started avoiding those food. तो वैसे ही मेरे को दिखने लगा कि कौन से behavior से मेरा glucose spike हो रहा है. Because stress से आपका glucose spike होता है. Emotional भी आपका yeah. So if you're under stress it shows. Yeah, it shows ना. अब मैं जब वही बता रहा था आपको, जब मैं भागवत पढ़ता था दादी को सुनाता था आधा घंटा, तो वो लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी, इतना अब यूज टू नहीं रह गए हिंदी पढ़ने में या वो जो लिपि है, प्लस साथ में उस टॉपिक के ऊपर इतना एक्सपर्टाइज नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो मेरा ग्लूकोज स्पाइक हो जाता था उस समय, बिकॉज दैट स्ट्रेस लेवल्स वेर इंक्रीजिंग. अच्छा, दिस आई डिड नो. सो आप जैसे आप कभी भी आप एक घंटा आप जैसे बोले ना, आप लोगों के करियर में ऐसे रहते हैं आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, यू नो आप बहुत फोकस्ड वर्क कर रहे हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन, आपका ग्लूकोज स्पाइक करेगा. पर अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट, तो अभी क्या होगा? या इफ यू लाइक दिस कन्वर्सेशन आवर ग्लूकोज विल स्पाइक ऑब्वियसली. या बिकॉज वी आर अंडर स्ट्रेस. दिस इज देयर इज अ स्ट्रेस व्हिच यू आर नॉट विजिबली टू यू बट फिजिकली, बिकॉज यू आर टू फोकस्ड ऑन ए टॉपिक, टू फोकस्ड ऑन ए सब्जेक्ट और वॉट एवर इट इज. बिकॉज अगर हम कैजुअली बात कर रहे होते, यहाँ कैमराज नहीं होते, वो गॉसिप हो रही होती, तब नहीं होता. अभी अच्छा, हम जो कर रहे हैं वो एक आप जैसे सोच के कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, यू नो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, सो इट विल इफेक्ट. सो जब वो इफेक्ट करता है तो मतलब समझो जो भी लेवल होता है स्टैंडर्ड, उससे एक आध लेवल ऊपर जाएगा. हाँ, इवन इन दिस. या पर मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अभी बात करते हुए. आप एंजॉय? मैं भी भागवत पढ़ने एंजॉय करता था ना. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. आई मीन स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड. आई ऑलवेज से स्ट्रेस नहीं है लाइफ में. आप अब आपकी जो एलर्जी ठीक हुई बिकॉज आपने स्ट्रेस में दिया, बॉडी को स्ट्रेस दिया, उसका कोई एक लेवल है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए. वो आपके पास जो है वो एक यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर स्ट्रेस, यू शुड बी एबल टू पुल इट. जैसे हम जिम जाते हैं, स्ट्रेस देते हैं मसल को, मसल ग्रो करती है. सो वेन यू आर, बट आप क्या करते हो, आप अगर दिन भर जिम करोगे 8 घंटे तो ऑब्वियसली यू विल हैव इंजरीज, यू विल सफर, यू विल यू नो आप देर आर आई मीन देर हिस्ट्री डाटा एक्चुअली बॉस्टन मैराथन दौड़ने के बाद ह्यूज परसेंटेज ऑफ आई डोंट रिकलेक्ट एग्जैक्ट परसेंटेज बट 40-50% पीपल इन द फर्स्ट फोर्टनाइट आफ्टर बॉस्टन मैराथन दे गेट सिक बिकॉज वो ओवरडू हो जाता है तो उनकी इम्यूनिटी लेवल गिर जाती है. तो उसमें किसी ने छींक दिया आपके सामने, आपको सर्दी लगती है. अच्छा, दिस इज फैसिनेटिंग मीना. तो तुमने वो लगाया एंड यू कुड एक्चुअली मॉनिटर किस चीज़ से ऊपर जा रहा है, किससे नीचे जा रहा है, अब क्या करने से क्या हो रहा है. अगर मेरा किस चीज़ में सबसे ज्यादा जाता था, मेरा जैसे बताया एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड का, अलार्मिंग लेवल पे किस पे जाता था, पर्टिकुलर ब्रांड का पनीर था उससे इट वेंट देयर यू नो, या बहुत ज्यादा फोकस्ड वर्क करने से जा रहा था. अल्कोहल दारू पीते थे तुम? नहीं, आई डोंट ड्रिंक इट, सो दैट्स नॉट देयर. और डेजर्ट खाते थे? हां, डेजर्ट खाने से उससे जाता होगा, उससे जाए ऑब्वियसली. पर वो अलार्मिंग नहीं है? लेकिन नहीं, वो जाता है, वो तो डिपेंड करता है आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ क्या खा रहे हैं यू नो एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं. आई वाज एबल टू मैनेज. नहीं आया अगर तुम्हारा कहीं से, आई मीन अगर किसी आपको if there is a long term stress it will go up. agar aapka controlled stress hai, when you are able to bring it down, there are tools to bring it down. basically aapko stress hai kya, what are the tools? jaise physiological sigh, you know, so our longer, jaise hum bolte hai na lambi saans lo, hamare wahan pranayam kaam aata hai. to wo aap, so breathing is what it tells the you know your system, nervous system ko breathing se ki ha ye sab kuch theek chal raha hai. because jab dekhoge aap, jab bhi aapko koi stress hai, you are breathing very fast, becomes fast. yeah, aap just दौड़ भी रहे हैं मैराथन, आपको स्ट्रेस है बॉडी को, तो आप ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है. आप लड़ाई कर रहे हैं किसी से, आपकी सांस तेज होने लगती है. सो दैट गिव्स द कमांड कि देयर इज स्ट्रेस. बट आप अगर एक्टिवली उसको स्लो कर रहे हैं, सो देन द ब्रेन थिंक्स कि यार सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, देयर इज नो यू नो, सो यू कैन ऑलवेज कंट्रोल एंड ब्रिंग इट डाउन. आपको दीज आर टूल्स. आप फिजियोलॉजिकल साई अगर लेते हैं,
No, I just tested for a year. Now you understood. I've understood. क्या चीजें नहीं है. You don't need to do it. I mean, in fact, दो महीने में आपको पता चल जाता है कि आपको कौन, बिकॉज आप रेगुलर वही खाना खाते हो, घर पे वही बनता है, बाहर का खाते नहीं ज्यादा. सो यू विल ऑलवेज फाइंड आउट यू नो व्हाट्स अफेक्टिंग व्हाट यू नो. तो उसका, सो आई ऑलवेज बिलीव कि जो आप डाटा एनालाइज करते हैं, जब आपके पास डाटा है आप एनालाइज करते हैं, उसी पे आप इंप्रूव कर सकते हैं. अगर आपके पास बैलेंस शीट ही नहीं है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा. यू नो सो यू नीड डाटा. सो आई रिकॉर्ड एवरीथिंग. यू नो आई हैव डाटा ऑफ माई स्लीप फ्रॉम 2018. रियली? तो 2018 से लेके आई फैसिनेटिंग. मतलब बुक में भी काफी उसका. आई इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा. वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड. आई विल टेल यू. थैंक यू, थैंक यू. सो 2018 से मेरा स्लीप का डाटा है. तो उसमें मेरे को जैसे आई फाउंड आउट कि पूर्णिमा की रात पे मेरे को नींद नहीं आती. अच्छी नहीं आती, डीप स्लीप कम हो जाती है. एवरी पूर्णिमा की रात का ट्रैक का रिकॉर्ड है कि आपको नींद कम हो जाती है. अब आई डोंट हैव एनी रीजन, आई डोंट हैव एनी डाटा टू प्रूव इट और साइंस और स्टडी टू प्रूव इट. बट नाउ आई बिलीव कि मेरे को ऐसा लगता है लॉजिकली, जब मैं सोचता हूँ कि जब हम जंगल में रहते थे, हंटर गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, बाहर सोते थे, जब फुल मून की नाइट होती थी तब हम विजिबल थे अपने प्रेडेटर्स को, एनिमी को. तो हम थोड़ा सा अलर्ट रहते थे हम डीप स्लीप में ना जाए. सो आवर बॉडी माइट बी यूज टू, बिकॉज वी ऑल वर्क ऑन ए सर्कैडियन रिदम का सिस्टम. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी आर ट्राइंग टू, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी केम हमने 24 घंटे को दिन बना दिया. दैट इज वॉट इज अफेक्टिंग अस मोर. अब रात को लेट सोने लगे, जब लेट सोने लगे तो आप एक मील एक्स्ट्रा खाने लग गए, एक मील एक्स्ट्रा खाने लगे तो आप 500-700 कैलोरी बढ़ा दिया आपने, तो आपकी ओबेसिटी की तरफ आप जा रहे हो. आपकी मूवमेंट तो खत्म हो ही गई. आप हम पहले आप यू रिमेंबर आई सी माई ग्रैंड मॉम, पुराने ज़माने में कुएं से पानी भी निकालते थे यू नो, एंड घट्टी चला रहे. तो आपने भी अपने घरों में देखा होगा यू नो. The older generation, they were working. Everything is now on phone. Even you don't even go to remote tak bhi jana hai mere ko. Phone pe hi Siri ko bol do, wo kaam ho jata hai. You know, that sort of thing. That movement has obviously gone down. And saath mein hamara food habits have completely changed. Hum extra kha rahe. High conflict has increased. Conflict se mera matlab ladai nahi. Haan. Conflict matlab chaos and conflict in life. Yes. Conflict matlab aapko 5 baje ki meeting hai. आपका कुछ और काम हो गया, आप भड़बड़ा रहे हैं, जल्दी पहुंचे, ट्रैफिक रुक गया कहीं. That's what stress is. Mind is always in conflict mode, always conflicting with external forces. Yes, absolutely. बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया actually. हमारा attention span ही नहीं है. Hmm. मैं तो actually बोलता हूँ, मैं I take mentorship, so I have lot of mentees. तो मैं उनके साथ जब बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ 15 मिनट अकेले रह के दिखाओ. मैं रह नहीं पाएंगे. नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन, नो टीवी, नो पेपर, नथिंग, ऑल अलोन सिटिंग इन ए रूम. आपको 15 मिनट में डर लगने लग जाएगा अपने आप से. हाँ, लोगों के साथ ही प्रॉब्लम, मेरे को नहीं है. हाँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग यू नो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो डर लगने लग जाएगा. लोगों के साथ डर लगने लगता है बहुत ज्यादा बैठता हूँ. सीरियसली आई डोंट एंजॉय टू मच सिटिंग विद पीपल. मेरे को डर लगने लगता है थोड़ा सा. मुझे लगता है मैं बिगड़ जाऊंगा क्योंकि हमको इतने डिस्ट्रैक्शन की आदत हो गई ना. आप सबकॉन्शियसली आप देखेंगे आप फोन उठा लेते हैं. हाँ, मतलब शायद कोई का मैसेज आया होगा. हाँ, चलो थोड़ा सा डाइवर्जन करते हैं मुझे. पर आई मैं भी फूड और सब बात करूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको. फ्लाइट है फिर भी नहीं छोड़ूंगा. मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ कि यू आर ऑन सोशल मीडिया. ओके, इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू गेट टेम्प्टेड टू पार्टिसिपेट इन सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रेंडिंग पॉलिटिकल इशूज. कुछ तो अपनी राय आदमी ला. हाउ डू यू कंट्रोल? आई हैव सीन यू, यू ऑलवेज टॉक पॉजिटिव, reinforcing, inspiring, अपनी लाइफ के बारे में, फाइनेंस की भी बात करते हो तो बड़े अलग तरह से करते हो. इट्स नॉट डिमीनिंग समवन एल्स. ये कैसे तुम कर लेते हो? या देखते ही नहीं हो कि क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या? व्हाट डू, हाउ डू यू मैनेज इट? यू विल बी सरप्राइज्ड. मैं इतना ट्विटर, इफ समबडी सीज दैट यू नो आई एम सो मच ऑन ट्विटर, दे विल से हां माय ट्विटर टाइम इज नॉट इवन 30 मिनट्स इन अ डे. कैसे? सो मैं टाइमलाइन अपनी पढ़ता नहीं. मैं भी नहीं पढ़ता. सो एक तो वो है. दूसरा क्या है कि आई एम सो अनअवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. सो आई डोंट हैव एनी न्यूज़ चैनल, टीवी नहीं देखता. आई डोंट हैव, कोई ऐप नहीं है न्यूज़ का कि क्या हो रहा है इस देश में. इनफैक्ट मेरे को 7 दिन पहले तक ये पता नहीं था कि वर्ल्ड कप हो रहा है अब यूएस में इंडिया का. मुझे तो परसों तक नहीं पता जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान के दिन मेरे बेटे ने बोला कि अरे आप मैच नहीं देख रहे. मैंने कौन सा मैच, मुझे पता ही नहीं था. तो मैंने बोला हो कहाँ रहा है? तो बोला अमेरिका. मैंने कहा अमेरिका में क्या फ्रेंडली मैच हो रहा है? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं देखता टीवी, और है ही नहीं हमारे यहाँ वो न्यूज़ यूज़ है ही नहीं हमारे यहाँ.
सो वो कभी भी, वो पहले एक टाइम था जब वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, क्रिकेट देखने के लिए वो टीवी नहीं था तो हम वो एसटीडी बूथ में टीवी लगे होते थे, गांगुली और तेंदुलकर ओपनिंग करने जाएंगे तो ऑफिस छोड़ के वहाँ बैठे रहते थे 2 घंटे उनकी बैटिंग देखने के लिए. बट दैट क्रेज इज नो मोर देयर बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम नाउ आई रियलाइज ड्यूरिंग दिस माई कोर्स एजुकेशन हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन कि वॉट एवर आई ऑलवेज बिलीव हम सब जो है ना 4,000 संडे लेके पैदा हुए लाइफ में. वी ऑल हैव 4,000 संडेज इन आवर लाइफ. उसे पहले 1,000 संडे तो पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं आप कौन से स्कूल जाना है, कौन से कॉलेज जाना है, आपको बचपन में क्या करना है नहीं करना है, और आखिर के पास आखिरी के कंट्रोल में आखिरी के 1,000 संडे आपको पता ही नहीं कैसे बीतने वाले हैं. कोई हार्ट की सर्जरी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, एंड बीच के जो 2,000 संडे हैं वो आपके कंट्रोल में है. आप सोचते हैं कि तो आपके कंट्रोल में होता नहीं है, आपको कैरियर बनाना है, जॉब पे भागा दौड़ी कर रहे हैं, बॉस की सुन रहे हैं, कभी वाइफ की सुन रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों के स्कूल के एडमिशन बीमार हो गया, ये कर रहे, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ, मतलब इट्स केओस 24/7 देयर इज अ केओस इन देयर. तो मेरा जब होम स्क्रीन खोलता हूँ मैं लैपटॉप का ना, तो पहले लिखा हुआ था उसमें कि हाउ मेनी संडेज आई एम लेफ्ट विद. अच्छा, सो नाउ देयर आर इट्स सो उसकी 1186 संडेज लेफ्ट इन योर लाइफ. जब क्रोम का वो एक अटैचमेंट है तो क्रोम जैसे ही खोलते हो लिखा हुआ था. अच्छा, हाँ. सो अब जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1186 संडेज बचे हैं सिर्फ, so where do I want to spend that Sunday? और क्या life expectancy के हिसाब से? I'm just 80 years का roughly. 80 years, which is correct. I mean 80-85, you know, if that's a normal, आप उसके हिसाब से जोड़ते हैं, तो उसके हिसाब से मेरे पास अभी 1200 से कम संडे बचे हैं लाइफ में. अब मैं उसको कैसे यूज करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग दैट फुलफिल्स मी, दैट ग्रोज मी. अगर मैं आई वेयर द सेम क्लोथ्स, आप देखेंगे मंडे को मैं एक जीन्स निकालता हूँ, मंडे टू फ्राइडे वही जीन्स चलती है, ऑफिस जाता हूँ एक ब्लैक टी शर्ट मेरे पास. तो यार मेरे ऐसा लगता है कि बिछड़े हुए भाई हो बचपन. ये लोग नोटिस करते होंगे मेरे यहाँ ऑफिस में लोग, मैं भी यही करता हूँ. आई एम सो एक तो मैं ब्लैक पहनता हूँ, तो मेरे पास 2-3 अपना तुम्हारे थे आज. ये कोई एक बच्ची हमारी मेरे को गिफ्ट कर गई थी परसों, तो मैंने ये पहन ली, वरना मैं अपनी टी शर्ट पहनता हूँ. और मैं भी यही करता हूँ, मैं एक जूता 6-6, 10-10 साल पहनता. तो कंपलसरी है मैं कितने डिजाइनर जूते ले लूं, मंडे टू फ्राइडे काम आने नहीं. और सैटरडे संडे घर पे रहते हैं, हाफ पैंट पहन के बैठे रहते. आपने कुछ भी कपड़े खरीदे हो, कुछ भी खरीदे हो, तो वो साल में, इनफैक्ट अभी छोटे बेटे की शादी थी मेरी जनवरी में. अच्छा, तो बड़े बेटे की शादी में जो कपड़े सिलाए थे मैंने, सूट वूट, वही अभी काम आ गए 7 साल बाद. स्टिल फिटिंग मी एंड एवरीथिंग वॉज ओके, मेरे को कपड़े सिलाने नहीं पड़े, बिकॉज वो सूट ऐसे ही टंगे रहते हैं, हार्डली साल में 2 बार आप पहनते हैं बेसिकली. सो अब अगर मेरे को मार्क्स एंड स्पेंसर का एक पर्टिकुलर ये टी शर्ट पहनता हूँ मैं हमेशा, अगर मेरे को 3 और चाहिए तो मैं, कोई बच्चे जा रहे होते मॉल पे, मैं बोला ये 3 लेके आ जाना भाई मेरे लिए. और आई विल प्रेफर टू स्पेंड दैट टाइम विद माई ग्रैंड डॉटर जो अभी 3.5 साल की है, 4 साल की, आई मीन शी विल बी 4 दिस ईयर. तो मेरे को पता है कि 1-2 साल के बाद उसका लिए, मेरे लिए उसके पास बहुत टाइम कम हो जाएगा. अरे ग्रैंड डॉटर, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, इनकी एज ज्यादा नहीं है, शादी हो गई थी बचपन में, इसलिए ग्रैंड डॉटर की 65-70 साल में होने चाहिए. सो एनीवे, सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि आई विल प्रेफर टू स्पेंड टाइम विद माय ग्रैंड डॉटर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मॉल. नहीं, पर ट्विटर में हो क्यों? व्हाई आर यू ऑन ट्विटर इफ यू आर? आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप, आई कैन इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल आई बिलीव, जो कि आप बीमार होने की जरूरत नहीं है. पर अच्छे लोग मिलते रहते हैं तुमको. मुझे कोई भी अगर लगता है अच्छा काम कर रहा है ना, मैं इंस्टेंटली मैसेज कहता हूँ कि यू आर डूइंग गुड वर्क, करते रहो भाई इस काम को अच्छा. क्योंकि आज की सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो गया है कि फूड, बैड फूड यू आर एक्सपोज टू. मैं अपनी देख रहा था, मैंने फोटोज अभी हम लोग शिफ्ट हुए थे नए घर में, तो पुरानी देख रहा था अपने 9th, 10th, 11th, 12th कॉलेज की, सारे ग्रुप फोटोज नहीं होते साल के एंड में कॉलेज में, उस जमाने प्रथा थी अपनी, तो उसमें जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं ना, सब एकदम ऐसा लगता है मैल नॉरिश्ड, खाया ही नहीं खाना इन लोगों ने. मैं अपने बच्चों का देखता हूँ, उनके छोटे 3rd, 4th, 5th, 6th से लेकर आगे, तो 50% बच्चे जो हैं दे आर लाइक ओबीस. एंड तो इसलिए फूड की क्वालिटी गिरी है डेफिनेटली. पर एट द सेम टाइम हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ खाने ही नहीं कंज्यूम करते हैं. आपका स्ट्रेस, आपकी हेल्थ, आपका, आपके एक्सप्रेशंस, ये सिर्फ खाने से ही नहीं है. आप विजुअली क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप कान से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं,
उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने टीवी हटा दिया, मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता। कभी बाहर जाता हूँ तो दिख जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैं फोटो तो खींच के कई बार डाल देता हूँ न्यूज़ की, वो भी सिटी रिलेटेड। बट आई ट्राई नॉट टू बिकम पार्ट ऑफ गॉसिप एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि आपका कंजम्पशन जो है वो सारे सेंसेस से होता है, एक सिर्फ खाना ही नहीं है। एंड ऑल अवर सेंसेस आर कंज्यूमिंग आर कंटेमिनेटेड पोल्यूटेड एंड बेसिकली अनहेल्दी थिंग्स। तुम सड़क पर निकलो तो तुमको सारे ये होर्डिंग, गंदे गंदे एस्थेटिकली वेरी बैड थिंग्स दिखेंगी आपको, शोर नॉइज। इंडिया में कितना नॉइज है, बाप रे, सिटी नॉइजेस। अरे आपने कहा कि कितना हॉर्न बजता है, पर वो आपको 24 घंटे डिस्टर्ब कर रहा है ना हर समय। Absolutely. तो इसलिए भी एक रीजन है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एंड ऑल दैट का। और सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी बिग स्ट्रेस। इज द सेम थिंग। आई मीन आप सोशल मीडिया पर तो और खराबी किया कि आप जानबूझ के जा रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ रहना तो मेरी मजबूरी है कि भाई मेरा काम यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे को यहीं रहना है, चाहे दिल्ली में कितना ही पोल्यूशन हो। आई ट्राई टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर घर के अंदर का मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बाहर का तो मैं कर नहीं सकता। बट मेरी मजबूरी है कि मेरे को वहाँ पे मेरा बिजनेस हुआ है, मेरी फैमिली हुआ है, मेरा घर हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मूव आउट टू हिल्स में चला जाऊँ मैं छोड़ के, क्योंकि मेरा वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो वॉट एवर मेरे कंट्रोल में वो लाने की कोशिश करता हूँ उसको, कि मैं उसको एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाऊँ कि मेरे घर का माहौल जो है वो एटलीस्ट यू नो पोल्यूशन कम रहे, व्हाटएवर। नहीं, योर टाइमलाइन इज वेरी गुड। अच्छा, जो हेल्थ वाले लोग हैं वो भी तो सब नेगेटिव बातें ही करते हैं, कोई प्रोटीन को गाली दे देगा, कोई काप को दे देगा, कोई इसको, वो भी लड़ते ही रहते हैं 24 घंटे, कोई आयुर्वेदा को गाली देता रहता है, कोई डॉक्टर है वो आयुर्वेदा को ही गाली देते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको गाली देते रहते हैं सब। मैं कहता हूँ कि भाई आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, कहीं बीच में रह के ऐसा नहीं, लाइफ एक्सक्लूड नहीं करती किसी चीज़ को। ऐसा नहीं कि ये है तो यही है, कि आपने कहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैं स्विमिंग नहीं करूँगा, मैं कार्डियो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव कि हर चीज़, कोई भी चीज़ मतलब खराब और अच्छी नहीं है, इट्स एवरीथिंग विद व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर सेइंग, यू नो व्हाट कॉन्टेक्स्ट। प्रोटीन कार्ब की लड़ाई क्या है मुझे बताओ। बिकॉज सी न्यूट्रिशन जो है ना वो बड़ा एक तो नया साइंस है अभी तो, उसके रिसर्च ह्यूमंस के ऊपर तो बहुत ही डिफिकल्ट रिसर्च करने का। आप 30-40-50 ईयर्स पे आप कोई चीज़ रिसर्च करेंगे, जब तक आइडियल बाकी चीज़ें कंडीशन आप आइडियल रख के, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वेरिएबल चेंज हो जाती है। हाँ, प्लस दूसरा क्या है कि एवरीबॉडी वी आर ऑल डिफरेंट, यू नो व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। ऐसे मैंने जैसे आपको बताया मैंने सीजीएम लगाया था, तो मेरे को पता चला कि शकरकंद मेरे को हार्म करती है मेरे बॉडी को, पर आपके लिए अच्छी शकरकंद है, ओवरऑल इज कंसिडर्ड एज ए गुड फूड, हेल्दी फूड, बट वो मेरे को सूट नहीं कर रही थी। जैसे स्वीट पोटैटो ना, हाँ स्वीट पोटैटो, तो वो मेरे को सूट नहीं कर रही थी, पर वो जरूरी नहीं आपको सूट करे। सो वी मेक एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स व्हाट इज वर्क फॉर मी। हाँ, जैसे दूध छोड़ना तो सबने छोड़ दिया उठा के वीगन्स ने, ऐसा नहीं किसी को सूट करता है किसी को नहीं। बेसिकली आपका कोई एक ऐसा आपका जो इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, आपके गट माइक्रोबायम में प्रॉब्लम है कि आपको सूट नहीं कर रहा मिल्क, यू नो समथिंग इज नॉट वर्किंग इन योर सिस्टम, डज नॉट मीन कि सबको सूट नहीं कर रहा। सो देयर इज नथिंग, आई ऑलवेज बिलीव कि कंटेक्स्ट क्या है किसी भी चीज के पीछे। आई ऑल्सो लाइक अल्कोहल इज बैड से फॉर एग्जाम्पल, बट इफ माई पर्पज ऑफ दैट ईयर इज टू गेट से आई एम ए फाइनेंस फंड मैनेजर, और मेरे को एक बजट मिला है कंपनी से कि मेरे को 100 करोड़ रुपए कंपनी के लिए इकट्ठा करके लाना है, एंड वो मेरे को करूंगा तो मेरे को इतना इंसेंटिव मिलेगा जिससे मेरा एक गोल पूरा होता है कि मेरे को बच्चे को कॉलेज भेजना है, यूएस भेजना है, इतना पैसा चाहिए। नाउ आई हैव टू ऑब्वियसली टेक माय क्लाइंट्स आउट फॉर डिनर, तो मेरे को अल्कोहल कंज्यूम करना है। सो अल्कोहल मेरे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, पर मेरे उस साल के गोल के लिए इट्स गुड, बिकॉज मैं वो नहीं करूंगा तो मेरे को बिजनेस नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा तो मेरा फैमिली नहीं चलेगा, मेरे बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो व्हाट इज माय प्रायोरिटी टुडे, यू नो। सो नेक्स्ट ईयर मे बी इट मे नॉट बी माय प्रायोरिटी इफ आई हैव अचीव्ड दैट, बट इफ दैट बिकम्स अ सिस्टम कि मेरे को रोज ही दारू ही पीना है। पर अल्कोहल के साथ ये प्रॉब्लम है, एक साल अगर रोज पियोगे तो फिर अगले 10 साल। आई एम जस्ट सेइंग दैट आई डोंट ड्रिंक बट आई नो, आई एम सेइंग इन कॉन्टेक्स्ट, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। लाइक इफ आई हैव टू रन मैराथन, जब हम बॉम्बे मैराथन यहाँ दौड़ने के लिए आए उसके पहले फॉर वन वीक, उसके पहले आई वॉज ओवरलोडिंग कार्ब, because mereko for that energy needed for that long run I needed to eat more carbohydrate, but if I used to, I was eating pasta, I was eating everything, you know, rice and all whatever carb jitna bhi ho sakta hai, simple complex sare carb khaye, par agar main wahi mera khana roz rehne lagega to I'll become obese. Nahi, main pehle peeta tha aisa nahi, advertising mein tha, film line mein, shuru mein to kafi hum log daru peete hi the, yahan to roz sham ko aap 10-11 baje pack up karo to aisa ho hi nahi sakta, daru na piyo aap, yahan log daru peete hain 2-3 baje tak fir khana khate hain, to main bhi usi lifestyle ka part tha। फिर जब वो एलर्जी भी मैंने बताया ना बात,
तब मेरे को सडनली एकदम ये भी रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मुझे किस किस चीज़ से एलर्जी है, रियलाइज मुझे मशरूम से एलर्जी है, फिर कुछ जैसे जिमीकंद और ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं उनको खाओ तो मुझे मुंह में एलर्जी हो जाती थी। अरे शराब से भी तो एलर्जी है, तो मैंने, मेरा दोस्त है बचपन का, अरे मैंने कहा यार सुधीर मेरे को समझ में आ गया मुझे शराब से एलर्जी है। कहना क्या मतलब? मैंने कहा यार पीते ही साथ देख मैं स्लो हो जाता हूँ, मेरी आंखें छोटी होने लगती हैं और क्या बोलते हैं मैं अजीब सी बात करने लगता हूँ, जोर से बोलने लगता हूँ, तो ये एलर्जी ही तो है जब बॉडी में एबनॉर्मल होने लगे तो यार मेरे को छोड़नी पड़ेगी, मैं एलर्जी है। मैंने हंसी मजाक किया था एंड देन ऐसे ही बैठे बैठे आफ्टर दैट आई नेवर टेस्टेड, मैं कभी मैंने उसके बाद पलट के नहीं देखा। ऐसा नहीं कि जो पीते हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, शराब से प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ। सेम विद मी एंड बिकॉज एक्चुअली अल्टीमेटली शराब जो पीता भी है मेरे को उस बंदे से प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी उसकी हेल्थ खराब हो रही है इन द हाँ सेंस बिकॉज आप नहीं, मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है, शराब पीने के बाद जो लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं ना, नाउ इट बॉदर्स मी, अब मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ उसमें, नहीं मैं पर उसकी पर्सनल हेल्थ के हिसाब से ना बिकॉज आपकी इट्स नॉट स्लीप गुड। कभी अच्छी नहीं हो सकती तो यू ये जो मे कहते हैं कि 2 ड्रिंक रोज पीना चाहिए हार्ट के लिए अच्छा है, सब बकवास है। सब आपके हार्ट का क्या होगा पता नहीं, आपका लीवर जरूर जाएगा। सो बेसिकली आपकी स्लीप खराब होती है, योर हार्ट रेट जो है डीप स्लीप आएगी ही नहीं पक्का ये 100 जो लोग परसेंट एक बियर दो बियर पी के सोते हैं। आप, मैं तो मॉनिटर करता हूँ ना, आई वियर थिंग टू रिकॉर्ड में, अगर मैं आई टेक लाइक साल में मैं 2 बार 3 बार वाइन पीता हूँगा कभी किसी सोशल गैदरिंग में कहीं पे, जिस दिन मैंने वाइन पी ली उस दिन रात को मेरा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मली मेरा हार्ट रेट पर पी 50 के है। तो लोग ऐसे सोते हैं जैसे हाँ कि तो दैट उठे इज नहीं। योर, आप बेहोश हो रहे हो किंतु आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही, आपकी डीप स्लीप कभी नहीं आती अल्कोहल के बाद। रियली यस यस योर हार्ट रेट विल बी एलिवेटेड, किसी का भी आप कभी भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो आपका अगर मेरा जैसे हार्ट रेट 50 52 ऐसे रहता है रात को सोते समय, द डे आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाइन इट विल बी 70 प्लस। अरे ये आपको नहीं पता चलता, आप तो सो गए ना, आपको तो आप तो बेहोश है, बेहोश हो गए, आप आप तो अनकॉन्शियस से फिर ही हो गए, पास हाँ आउट कर गए। हाँ बट आप वियरेबल कोई पहन के आप देखोगे तो आपके जब सुबह इसीलिए उठते हैं तो लोगों को फटीग लगता है, टायर्ड लगता जिसको है, हैंगओवर बोलते हैं हम लोग। हाँ यू फील डिहाइड्रेटेड ऑब्वियसली, अल्कोहल ड्रेन्स वाटर, सो पर ये आपको हर चीज के, हर ड्रग के साथ होता है। आई एम श्योर आई नॉट स्टडीड बट एवरीथिंग विच वॉट एवर इवन स्क्रीन, आप 1 घंटा शाम को स्क्रीन देख के बैठिए आपको डीप स्लीप कभी नहीं आएगी। रियली यस दैट्स व्हाई दे से फॉर ए गुड क्वालिटी स्लीप यू शुड लाइक ऑफ गेट ऑफ स्क्रीन 1 1 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। अरे फिर तो मुझे पैच एच का नाम देना, मैं ट्राई करके देखूंगा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग। नहीं मैं सोशल मीडिया में नहीं पढ़ता हूँ, पर मेरे को पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है, तो बुक मैं पढ़िए ना, सोते सोते तक मैं आई कीप राइटिंग और रीडिंग। आई सजेस्ट ऑलवेज टू रीड ए फिजिकल बुक, दैट टू आई रीड बुक्स विच आई हैव ऑलरेडी रेड, सो मैं अब स्ट्रेस नहीं देता माइंड को कि ज़्यादा मेरे को तो रीडिंग फोकस। अ बुक एंड रीडिंग ऑन किंडल आर टू डिफरेंट थिंग्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट स्क्रीन लाइट विल अफेक्ट चलो यू। तुम इन्फ्लुएंसर हो जाओगे, किंडल वाले तुम्हें कभी ब्रांड एम्बेसडर लाइफ में नहीं बनाएंगे, कहेंगे ये एंटी किंडल है, आई हेट किंडल। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है ना कि वो बुक कैरी करो मोटी, रात को पढ़ने में मोटी आई एम किताब, कैरिंग मेरे वजह फ्लाइट मैं बहुत में, पढ़ता हूँ। हाँ हाँ मैं भी आई ऑल्सो रीड ए लॉट, सो मैं आई एम कैरिंग माई आईपैड ओनली जिसमें आई एम कैरिंग बुक्स, इंस्टेड ऑफ हाँ कैरिंग बुक्स लॉट ऑफ बुक्स, प्लेन एंड क्लियर अच्छा है, पर हाँ, बट वेरी रात को मैं कभी भी आई कीप ऑफ स्क्रीन, फूड को भी आप जल्दी खाइए, यू नो कीप 2 to 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड, नहीं तो अब हंड्रेड फूड ऑफ। पे आते हैं चलो। हाँ तो ये प्रोटीन और कार्ब की जो लड़ाई है ये मैं, अच्छा मैं अपना पर्सनली ये तुमसे शेयर करता हूँ। आई ट्राई टू मैनेज मेरा बैलेंस्ड फूड, मैं तो सात्विक थ्योरी बड़े अच्छे से जानता हूँ, पतंजलि वाली, और मुझे समझ में आया सात्विक के नाम पे लोग, उन्होंने फालतू का बात की है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सात्विक का मतलब है एनीथिंग विच यू कैन ईजिली डाइजेस्ट, जो बॉडी में पूरा जो योगा साइंस है वो आसन के ऊपर नहीं है। पहली बात तो पतंजलि के योगा में आसन आसन की बात भी नहीं है, आसन का मतलब होता है मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन। तो सब तुम जो कह रहे थे उसी को उन्होंने भी बोला है, पर नॉन साइंटिफिक वे में। उनका ये कहना है कि लाइफ में आपको ऐसी जगह पहुंचना है वेयर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल। तो मोस्ट कंफर्टेबल मतलब जैसे तुम्हारा बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं हो, फाइनेंस के लॉस नहीं हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे से हों, घर के रिश्ते अच्छे हों, आपको स्ट्रेस नहीं हो, वही रात को डिजिटल मत देखी, तो यू आर इन अ वेरी कंफर्ट। जब तुम्हारा एक ग्लूकोज शूटअप नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल आसन। और माइंड का क्या है कि जैसे तालाब है ना, पानी एकदम साफ दिखता है आपको ऊपर से, लेकिन आप एक पत्थर मार दो तो रिपल्स रिपल्स होते हैं और नीचे से मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो वही सारा ट्रिगरिंग जिसको कहते हैं। तो कोई भी खाना जो आप खाते हैं जिससे आपकी बॉडी ट्रिगर होती है, मतलब आपको रात को जैसे तुमने बताया नींद नहीं आई या एसिडिटी हो गई या कुछ हो गया, ऐसा खाना जो उत्तेजित करता है आपको,
अगर वो नहीं खाओ तो ये सात्विक है। मॉडर्न टाइम्स में यही सात्विक की डेफिनेशन है। अब आप उसमें चाहे चिकन खा लीजिए, अगर आप बॉयल्ड चिकन खा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में, अगर आप कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, आप फिश खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिसको हम लोग सात्विक कहते हैं, समझिए सरसों का साग है या पत्ता गोभी की सब्जी है, बड़ा सिंपल आलू है, ये सब जो भी सात्विक में आते, वही आपने बटर डाला, उसमें काली मिर्ची डाली, ये डाला, नींबू डाला, प्याज किया, फ्राई खाया दबा के, और आपको लग रहा है आप बड़ा अच्छा वेजिटेरियन और सात्विक खाना खा रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ी। एंड सात्विक इज ऑल्सो वे ऑफ थिंकिंग, हाउ यू थिंक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे को इतना समझ में आया, मैं उसी ने दैट चेंज माई लाइफ। और जब मैंने वो सात्विक लाइफ स्टाइल, कपड़े मिनिमलिज्म, रिश्ते, आपको 50 रिश्तों की ज़रूरत नहीं है, 10 दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी पार्टियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी टीवी चैनल, और आपको हर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो मिला आपने इन्फॉर्मेशन अंदर डाल दी। तो आई रियलाइज एकदम लोड जितना कम करोगे बॉडी पे, दिमाग पे, आँखों पे, उतना तुमको सात्विक रास्ता होगा। और जब से मैंने वो चीज़ किया, माई लाइफ ट्रांसफॉर्म मतलब 360 डिग्री, हैप्पीनेस, मनी, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, पीपल, फेम, एवरीथिंग चेंज इन माई लाइफ, जब डिटैच हो गए। इसी तरह से कार्ब और प्रोटीन में, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वॉट आई एक्सपेरिमेंटेड, यू आर एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट। कार्ब और प्रोटीन में मैंने एक चीज देखी है, कार्ब्स, वेन आई राइट स्क्रिप्ट, कार्ब्स हेल्प मी अ लॉट। ओके, मैं राइस खाता हूँ तो मैं आई फील बेटर, आई डोंट लाइक राइस, लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि मेरे को लंच में मैं अगर कार्ब्स खाता हूँ और लिखने बैठता हूँ तो माई लाइफ बिकम्स ईजियर। प्रोटीन मुझे, जिस लोग कहते हैं ऑब्सेशन विथ प्रोटीन, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं या तो मैं पेट खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा समथिंग, सो आई हैव क्रिएटेड अ गुड बैलेंस ऑफ प्रोटीन एंड दिस थिंग, एंड आई ट्राई टू कंज्यूम प्रोटीन 99% फ्रॉम वेजिटेरियन फूड। नाउ यू टेल मी, ये लड़ाई क्या है प्रोटीन और कार्ब की? जो यहाँ बॉम्बे के जो जितने ट्रेनर्स हैं और न्यूट्रिशन, वो तो सुबह चिकन, दोपहर में चिकन, शाम को चिकन, 24 घंटे चिकन, प्रोटीन पियो, यही चलता है यहाँ पे। तो वो अगेन वही है किस कंटेक्स्ट में आप फूड ले रहे हैं। जैसे मैराथन दौड़ते समय आपको ज़्यादा कार्ब की ज़रूरत है, आप जैसे ब्रेन को बहुत यूज़ कर रहे हैं, आप जब बोले आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको राइस खा के एनर्जी आती है। सो द कार्बोहाइड्रेट इज़ द फास्टेस्ट, जब ब्रेक करता है चेन ऑफ ग्लूकोज में, when the food goes in, so it is, it comes to your bloodstream faster, it gives you instant energy. So aap jaise glucose pila, thak gaye glucose pilo, you know, that's where you get the instant energy. So when your brain is like, aap jaise bole hyper working kar raha hai jab aap kar rahe ho, so you need more energy. 20% of your, I think, if I remember the data right, your energy, your E is consumed by your brain. So it's a almost 2% of your body's weight or maybe less. सो बिकॉज आपको, आप जब ज़्यादा वो कर रहे हो तो यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, सो दैट कार्ब गिव्स यू लॉट ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। अच्छा, सो दैट्स वेयर इट गिव्स यू फुलफिलिंग, यू नो। बट अगर आप ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे या फिजिकल यूज़ नहीं कर रहे अपने बॉडी को, और आप खूब कार्ब खाते जाएंगे तो आप ओवरलोड हो जाएंगे। द ओनली थिंग विच इज स्टैंडर्ड इन अबाउट फूड इज कैलोरी इन कैलोरी आउट, दैट लॉ इज कुछ नहीं है ना, उसके अलावा सिंपल लॉ सिंपल है। आपको अगर सपोज कीजिए आपको 2000 कैलोरी का फूड खाना है टू रिमेन एट द वेट दैट यू आर, यू नो, एंड 2000 कैलोरी के फूड की जगह पे आप बर्गर और कोक ही खा रहे और 1700 कैलोरी खा रहे, तो 300 कैलोरी डेफिसिट का आपका वेट कम होगा ही होगा। बाकी दस बीमारियां हो जाए अलग बात है, क्योंकि वो फेक कैलोरीज हैं, व्हाटएवर इट इज, बट आपका वजन जरूर कम होगा 300 कैलोरी। सो कैलोरी डेफिसिट, अगर वजन कम करना है तो कैलोरी, दैट्स अ स्टैंडर्ड लॉ। हेल्दी रहना है तो, अब हेल्दी रहना है तो व्हाट आई बिलीव और व्हाट मोस्ट ऑफ द साइंस सेज इज Eat as much as natural food. Modern, urban, हमारे आपकी जैसी लाइफ, 10 to 12 hour working and non 24, 20 and 7 days a week working वाले जो लोग हैं, मतलब संडे को भी दिमाग में तो चलते ही होगा काम हम, उनका लिए बताओ क्या, what is good diet? I strongly believe कि आपको half of your food in every meal should be fruits or vegetables. Okay. So unprocessed, in the sense, unprocessed, cooked at home obviously, or not the टू मसाला, टू मच ऑफ घी, नवरत्न कोरमा नहीं, हाँ मतलब वो पनीर बटर मसाला इन एवरी मील नहीं, सो हाफ ऑफ योर दाल फ्राई नहीं, हाँ सो दाल इज क्या तड़का, दाल नहीं, माँ की दाल नहीं, हाँ बट वो भी मतलब देयर हैज टू बी फैट इज ऑलवेज गुड फॉर योर ब्रेन। अच्छा, फैट तो हमको लेना ही चाहिए बट हेल्दी फैट लेना चाहिए। तो 50% यू आर सेइंग इज वेजिटेबल्स एंड वो होना चाहिए, एंड 25% ऑफ इट शुड बी योर प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो भी हो सकता है आपका, 25% शुड बी योर कार्ब।
So it's roti, chawal, you know, whatever millets, whatever you want to have with it. And some portion of fat to eat your vegetables and fruits. What is your average diet morning till evening? So my first is like breakfast is usually... What time you get up? I get up at around 5. फिर क्या करते हो आप? सो माय फर्स्ट इज आई स्टार्टेड टू मेडिटेट फ्रेशन अप होके 15-20 मिनट यू नो सो आई विल डू अ मेडिटेशन सो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स दैट आई विल डू सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड देन आई विल गेट माय कॉफी एंड आई विल डू 1 आवर ऑफ वर्क पर अर्ली मॉर्निंग कॉफी इज ओके या इफ आई डोंट टेक इट आफ्टर द फर्स्ट विद इन 1 आवर यू शुड अवॉइड कॉफी इन द फर्स्ट 1 आवर ऑफ वेकिंग अच्छा एनीथिंग जीरो कैलोरी आई मीन दो कॉफी इज जीरो कैलोरी बट स्टिल एनी फूड नहीं लेना चाहिए आपको फर्स्ट 1 आवर में सो आई विल टेक पर कई लोग कहते हैं सुबह कॉफी नहीं पीनी चाहिए उठ के नहीं आप इमीडिएटली अगर कोई भी लेते हैं ना तो आपको फिर वो कॉफी क्रैश होता है लाइक 5-6 घंटे के बाद जब कॉफी आपके सिस्टम से निकल जाएगा देन यू विल फील स्लीपी एंड दैट यू तो 1 कप ऑफ कॉफी यू ड्रिंक एंड देन सो व्हाइल हैविंग माय कॉफी आई विल 1 आवर आई वर्क सो यूजुअली ऑल थिंग्स दैट आई हैव टू डू myself, whether it is writing a newsletter, writing the book, whether it is my office ka emails. So I don't check emails a whole day throughout the day. I do one morning and one afternoon. So I don't have emails on my phone also. So I'll office walon ko kisi ko mail karna hai ki ye tere se expected hai, ye kaam karna hai, ya unhone kuch mere se maang rakha hai, uska jawab dena hai. So that 1 hour I work while I'm having coffee and you know, and while I brew my coffee, I do my mobility routine in the kitchen. 5-7 minute coffee banne mein lagta hai, usse mein I'll do my all. You know, joints के लिए और mobility routine या और the whole neck से लेके leg तक का kitchen में I do it. Then with coffee I'll do my this 1 hour of either creative work or some office का work whatever is needed at that point of time. Then I go to the gym. आप भी घर पे ही हैं? हाँ, घर पे gym है. So if I am going weather is good say 1 महीने बाद से या in Delhi में July August के बाद से till say April तक I'll go outdoors for cardio. I mean running and all those. Cycling. Otherwise, I have the treadmill pe ghar pe, and 3 to 4 days I do strength training. So I'll do some form of strength training and all those things. Then I'll 30 minutes I'll recover after that. So I have a very easy morning. So I'll and during that recovery I'll have a smoothie as my breakfast. So that smoothie is basically some sort of vegetable, some sort of fruit, say spinach, apple, you know, and some. Fat in it, so walnut or badam. But you don't eat like oatmeal or cereals. No, or, no, I don't. Or sandwich or no, none of these. Omelet and all that, nothing. Vegetarian. Ah, sorry, nothing. Otherwise, so I'll have that smoothie. Poha, upma, idli, no. So I'll have that smoothie, and I'll put a whey ka 30-40 grams of whey in that smoothie. Hmm. So that's my breakfast, you can say. The day I'm feeling hungry or something, I'll have maybe a sourdough bread along with it. So that's my usually breakfast. Hmm. Then shower and all those. If I have any morning calls, you know, I'll do it. Then before I go to office, I'll take some sort of vegetable ka pura before I mean, that's pre lunch or lunch, whatever you call. Then I don't eat anything after that. Okay. So maybe, you know, sorted vegetables, you know, with chaach le liya. Achha. Saath mein ya kuch. I don't eat roti. So absolutely. Khate hi nahi ho? Nahi, अब नहीं खाते पर पहले तो खाते थे चावल चावल तो हमारे बनता ही नहीं घर दाल दाल लेते सो दाल सब्जी व्हाटएवर रोटी खाते ही नहीं हो सो इट्स माय चॉइस लाइक आई ईट ब्रेड आई लव टू ईट ब्रेड सो मेरे को उतना व्हीट खाना है तो मैं वो ब्रेड खा लेता हूं इंस्टेड ऑफ रोटी के अलावा इट्स नॉट दैट आई हेट रोटी और समथिंग इट शुड नॉट बी कंज्यूम नॉट दैट वे राइस हमारे यहां पे बिकॉज़ एज आई वाज इन अ बंगाली स्कूल 7 इयर्स सो राइस इतना खिलाया वहाँ पे उन्होंने 7 साल तक रोज कि वो राइस का कोटा मेरा वही खत्म हो गया स्कूल टाइम में और लंच सो आई डोंट ईट एनीथिंग इन लंच इन ऑफिस सो वही मैं खा के जाता हूँ अराउंड 11-11:30 आई टेक एंड देन आई गो टू ऑफिस सो और ऑफिस में कुछ मतलब आई टेक ए वीक का स्मूथ वो या अगर कोई ज़्यादा आई हैव सम यू नो सम स्नैक्स मेड एट होम अमरान्त का या कुछ बना हुआ यू नो विच इज घर पे बना हुआ हाँ ये बताओ जो घर के स्नैक्स होते हैं मटरी चकली ये जो माएं बनाती नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी दे आर गुड फॉर यू बिकॉज़ डिपेंड्स अगेन कि आपका क्या गोल है व्हाट काइंड ऑफ स्नैक्स यू टेक फ्रॉम सो जैसे मैं विल मेक अमरांथ का यू नो अमरांथ इज प्रोटीन एंड ऑल दो स्टफ एंड उसमें मूंगफली और थोड़ा दाल डाल के यू कैन गरम करके बना तिल का लड्डू है जैसे हाँ नॉट शुगर आई डोंट टेक शुगर नहीं पर जैसे मैं कह रहा हूँ तिल के लड्डू क्या घर का क्या स्नैक्स खा सकते हैं हाँ नहीं कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स जैसे ना आप छेने का कुछ बना लिया यू नो नमकीन छेने का बना लिया छेना विल हैव प्रोटीन यू नो और आई कीप पोहे के चूड़ा वगैरह बनाते हैं आई डोंट
I don't like this. So khate hai log, there's nothing wrong in again, as I said, how much quantity and you know what you are eating. Mare ye log khate kya healthy bhel or something? There's no healthy, nothing. Nothing. Oh, anything which is packed food is not healthy. I avoid processed food. मैं भी बिल्कुल मैं packed food नहीं. मैं दो rule बनाए हैं. Anything which is any food, okay, cooked food, which is advertised on TV, okay, and anything which is packaged, मैं वो दो चीज़ें नहीं खाता हूँ. वो avoid करता हूँ. मैं cereal भी नहीं खाता, वो जो packet में आते हैं ना cereal, मैं वो भी नहीं खाता हूँ. Anyway, अच्छा तो ये और फिर dinner आपका. So then when I come back from home, office like. So I'll have a cup of tea. Say, that's it. Maybe उसके साथ बहुत कभी भूख लगी था, I'll have some peanuts or something like that. थोड़ा बहुत. And then dinner is always nuts वगैरह तो अच्छे होते हैं. हाँ, nuts तो खाना ही चाहिए, but again quantity के ऊपर depend करता है. You can't like sit मुझे with मुझे किसी ने बोला एक मुट्ठी खाना चाहिए. हाँ, उससे ज़्यादा peanuts उससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए. So वो उसके बाद फिर dinner is always salad. So usually it's a whole bowl of so my cook is now a salad expert. उसको 50 recipe दे दी थी मैंने. अभी वो उसमें से कुछ भी बनाते हैं. सैलेड विद ब्रेड और ओनली सैलेड? मोस्टली ओनली सैलेड. देर अब उसमें अगर कोई मिलेट मिला है या कुछ मिला हुआ है. सो व्हाट टाइम यू फिनिश इट? 7:30 इज लास्ट. सो बाय 7:30 आई एम डन विद डिनर. सो आफ्टर 7:30 आई एम यूजुअली ऑफ स्क्रीन एंड देन इट्स मोर ऑफ अ फैमिली टाइम, यू नो, वी हैव. सो दीस डेज वी आर प्लेइंग कार्ड्स लाइक से. एंड शाम को सोने के पहले 9:00 के अराउंड वी ऑल डू हनुमान चालीसा. अच्छा, द होल फैमिली सिट्स टुगेदर and we do 11 Hanuman Chalisa basically. So it's not about evoking Hanumanji or God, but it's not with that religious mindset ki hum bahut, you know, serious okay, or to koi us samay leta hua bhi hai to koi bacche nach bhi rahe hain to, you know, that's okay. I mean choti granddaughter, so there's no, it's more of coming together. Huh. And that 10 minutes not, it does not even take 10 minutes. Like if agar ghar mein abhi 5 log hai to 2 round kiye humne, 11 we counted as 11. Hmm. Like, you know, अगर 11 लोग ही हैं, वाइब्स का जो है बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. एंड देन इट कंटिन्यू लगा के देखो. ऑब्वियसली एंड देन इट कंटिन्यूज विद इन हाफ एन आवर तक का ना बातचीत आपस में. आज ऑफिस में ये हुआ, इसका फोन आया था, यू नो, ऑल दोस कन्वर्सेशंस फैमिली का. एवरीबॉडी इज टुगेदर, यू नो, एवरीबॉडी 9:30 के आसपास एवरीबॉडी गोज टू देयर बेडरूम्स, यू नो, एंड देन आई डू सम रीडिंग एंड बाय 10 आई एम ऑफ. सो 15 मिनट पढ़ते पढ़ते, सो उसके पहले ऑफिस के आने के बाद आई टेक ए वार्म वाटर शावर एंड hygiene and all those stuff before dinner. Nee, wonderful. So this is like amazing. And par mujhe ek baat batao, you look very fit. To jab khud ghar mein gym hai and you transformed yourself and itna agar health ko leke wo hai, to why don't you make that jo typical jisko gym body bolte hai, why? I mean it's a conscious decision or you are not a heavy weight lifter or? No, I lift very heavy, but that's not the goal. So again, you can manipulate your workout. What's your goal? So always to be healthy. Blood markers, I just had my blood report done. No, but jo typical hoti hai, jo ek wo body. How nahi, mere ko acha nahi, but I don't like that. Like that, you know, I mean, main itna mere ko personally. So, par wo build kyun nahi, heavy weight ke baad kyun nahi build hoti? I'm working more on strength. I'm working more on so resistance. Kind yeah. So it's basically, you know. I always ask everybody to, you know, agar koi shuru kar raha, write your destination postcard. How do you foresee your last 10 years of your life? So aap aakhri 10 saal zindagi ke kaise chahte ho? Visualize whatever you want, you know, ki I want to play with my grandkids. I want to be independent. Main plane mein apna baggage upar rakh sakun, cabin mein grocery apni gaadi se khud leke aa sakun, wheelchair mein nahi rahun, you know, I don't need a support system. So ab wheel mere paas wo stick mein nahi chalna pad raha hai mere ko. You know, whatever, visualize and backtrack from there. Ki agar mere ko, so my goal is that I should, if I have to win a medal for India in a sport, so main obviously Olympics mein, Olympics sab mein kabhi aa nahi sakta, matlab ghar mein bhi nahi jeet sakta, forget about, you know. So the only way I can eat is centenarian jo Olympics hota hai 90 saal walon ka. Haan, usme jaoge, usme jeetne ki phir bhi chances, agar main agar us samay main apna running continue rakh sakun wahan tak. अगर मेरे को उस समय तक दौड़ना है तो मेरे को आज VO2 max मेरा कितना होना चाहिए? हाँ, अगर मेरा बोन का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए तो everything is measurable today. आप डेक्सा स्कैन कराइए, आपका सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है, आपका बोन स्ट्रेंथ कितना है, आपका विस्करल फैट कितना है, यू नो एवरीथिंग. यू नो आज के जमाने में साइंस टेल्स यू एवरीथिंग. नाउ आई कैन बैक ट्रैक, मेरा ग्रिप का स्ट्रेंथ इतना होना चाहिए कि मैं कभी कहीं गिर जाऊँ
तो मैं कोई चीज पकड़ूं तो व्हाट इज दिस टेस्ट कॉल्ड फॉर द ऑडियंसेस जो देख रहे हैं उनके लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग आई मीन डेक्सा स्कैन इज फॉर योर बोन डेंसिटी बोन स्ट्रेंथ आपका विस्करल फैट कितना है आपके बॉडी में फैट कितना है मसल कितना है आपका BMR कितना एक्चुअली यू कैन मोर एक्यूरेटली यू कैन नो इन अ डेक्सा स्कैन यू नो सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल टू गेट डेक्सा स्कैन डन यू नो कि आपको पता चल जाता है व्हेन यू एज आई सेड ऑलवेज दैट आपको जब पता चल जाता है तो आप बैक ट्रैक कर सकते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं यू नो आई गो टू साइंस लैब स्पोर्ट्स लैब सॉरी बेसिकली हमारे फरीदाबाद में यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स टेस्टेड ऑल्सो आपका बैलेंस कैसा है आपका व्यू टू मैक्स क्या है you keep doing it yeah yeah I keep everything you know all the data of your body yeah yeah I have a complete dashboard with everything which is bad. So what are the areas where you need to improve so like I find out this time abhi jab maine dexa karaya 10 din pehle mera sara blood test kitne ek saal mein ek bar karana padta saal mein ek bar karata hu main so wo ek bar jab maine karaya to I found ki mera pichli bar se abhi 17 cm cube visceral fat bad gaya hai so that 7 though it's still matlab jo yahan hota hai ha so jo organs ke charon taraf hai which is harmful still within the range for my age jitna hona chahiye uske andar range mein but then the trend is going up agar maine is pe action nahi liya is saal kya kya action loge isme I'm doing more of cardio I started 30 minutes of walking like every day evening so fat khana kam karoge aur fat I'll not fat because dietary fat I believe science also it's it does not change your blood cholesterol ka fat matlab cholesterol ko nahi badhata hai but more than that it's more of your movement because last one year has been a lot of events happening in my life son's wedding grandma was here my book writing all those things so I was mera movement bahut kam ho gaya jo usual rehta tha main week mein pehle 6 din workout karta tha wo 3 din se zyada ho hi nahi pa raha tha you know when I writing a book you get into a flow so aap jo baithe subah ek bar 1 ghante ke liye baithte the wo 3 ghante tak baithe rahe so your time samajh gaya so you don't do yoga and all no I don't do yoga so I do some flexibility workout but I don't do yoga I do breathing ka routine 2-3 bar karta hu main I take cold showers in the morning so I have a that refrigerator jo ice cream wala hota hai na bada sara wo maine ghar pe laga rakha hai usme kya karte ho usme pani pura bhara hota hai usme jaake doob jate hai 4 degree mein really yeah you do that yeah kya uska advantage hai kya fayda hota hai it helps you bring your immunity because as I say you are stressing your body getting out of that as you said comfort se bahar nikalna hai jiska ye log reel dalte hain aajkal actor actresses usme smoke ice water mein ghusne ka yeah so basically it was designed by Wim Hof this is scientist so Wim Hof ka usne I mean uski theories hai ya jo bhi hai so it gives me a lot of energy that burst of energy adrenaline actually after I do that so ab mujhe apni photography ke bare mein batao so photography actually started by fluke एज आई सेड कि मेरा जब कार क्रैश हुआ एंड मैं रिहैब में था तो मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा पेन रहता था एंड आई वॉज यूजिंग टेकिंग नर्व का मेडिसिन नर्व सूदिंग का मेडिसिन एक मैक्सगिलिन चलता था मेरा ऑलवेज लेना पड़ता था मेरे को ऑलवेज देर वॉज अ पेन द होल लेफ्ट साइड इनफैक्ट वैन आई एम टॉकिंग टू यू दिस पेन स्टिल देयर आई मीन इट डज नॉट गो अवे सो इट विल नॉट वैनिश बट मेरे को मेरे कैनेडा में एक कस्टमर है तो ही वॉज कमिंग टू इंडिया फॉर वर्क तो ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उन्होंने मेरे को बोला कि आप 3 दिन के लिए रणथंबोर चलेंगे जब मैं आ रहा हूँ तब विजिट करने हमको आ रहे थे ऑफिशियल ट्रिप पे तो मेरे को तब ये भी नहीं पता था रणथंबोर है कहाँ टाइगर वाइल्ड में क्या होता है यू नो हाउ डू यू गो देयर वहाँ कैसे बुकिंग करें एंड ऑल दो स्टफ दिस वॉज 2010 सो वी आई गॉट ए कॉमन फ्रेंड जिसका वहाँ पर रिसॉर्ट मिल गया मेरे को पता चल गया तो आई वेंट देयर एंड वी स्टेड देयर फॉर 3 डेज 3 दिन मेरे को पेन ही नहीं हुआ लेफ्ट साइड में जो मेरे को रेगुलर मेडिसिन रह रहा था वो वाज नॉट नीडेड एक्चुअली so whole day it was so relaxed everything then I thought ki yeh thing bada acha you know this is a good like it was because going to the nature out of stress you know office ka ghar ka stress se dur aap environmental ke stress se dur aap nature mein jab jaate ho so then I started going every weekends to the delhi ke aas pass jitne okhla bird sanctuary sultanpur dadri all those places you know bharatpur birding karne ke liye jane lage so friend circle bhi ban gaya us type ka and then I one of those B&H photo studio se aapne camera aur lens wahan se B&H se new york se leke aa gaye so I had a good equipment also and started going so taking my camera putting it on social media par ye kahin pe tumne course kiya ki khud hi seekha nahi kuch koi course was khud seekha self to pehle to main ek I want to tell you this book okay मैंने जब तुमको लिख के भेजा था इसमें छोटा सा कमेंट आपने मुझसे मांगा था एट दैट टाइम आई रेड दिस बुक डिफरेंटली ओके उसके बाद एक दिन मेरे वहीं ऑफिस में रखी हुई थी तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ
आई वॉज शिफ्टिंग द ऑफिस टू समथिंग, तो मैंने कौन कौन सी किताबें लेके जानी, तो ये एकदम से मुझे दिखी, तो मैं ऐसे ही खोल के मैं करने लगा, यूँ करने लगा. एंड वन थिंग आई रियलाइज विच आई हैड नॉट रियलाइज अर्लियर इज दैट दिस इज अ हैंड बुक एक्चुअली. इट्स नॉट, कई लोग जो एंथुजियास्ट होते हैं ना, वो लोग एक बुक लिख देते हैं कि भाई ने ये किया वो किया. मेरे बहुत भरी, मेरा तो भरा पड़ा है एक हेल्थ वाले, और लोग, मैं लिखता रहता हूँ ना जरा, ये कभी कभी आजकल बंद किया है तो मुझे भेजते भी रहते हैं. बट दिस आई रियली, इसमें यानी जो पॉज एंड रिफ्लेक्ट इनसाइट्स लाइक दैट, एंड यू हैव ऑनेस्टली रिटन अ वंडरफुल बुक. थैंक यू. ओके, इट्स वेरी सिंपल टू रीड, इट्स वंडरफुल, एंड आई विल टेल एवरीबडी दैट गेट दिस बुक, यू नो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू गेट दिस. That I'll tell you now why I wanted to have this chat with you. Okay, I am fascinated with first generation self-made people. Okay, self-made का मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि जिन लोगों ने बड़ा पैसा कमा लिया. ऐसे तो स्टार्टअप वाले कितने आजकल हैं, शार्क टैंक वैंक टैंक में आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, वो ठीक है, वो एक चीज़. अरे आप क्रिकेट खेलने गए, आप में एक टैलेंट था, या आपने ज़्यादा कुछ अच्छा कर लिया, आपने 50 सेंचुरी मार दी, उसको मैं सेल्फ मेड मैन नहीं बोलता हूँ, या वुमेन जो भी है. दैट इज यस, यू आर एन अचीवर. अचीवर एक अलग चीज़ होती है. सेल्फ मेड से मेरा मतलब यह है कि आपने जीरो वैल्यू से एक वैल्यू क्रिएट की और लाइफ का होलिस्टिक कैपिटल किया. ये नहीं कि आप एक काम किया था बस वही करते. ऐसे तो मैं बहुत अच्छा एक बार खोल दूँ बॉम्बे में डांस बार, 10-15 करोड़ रुपए महीने के कमाने हैं लोगों, तो आई विल बी अ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन, पैसे से सोशल स्टेटस भी खरीद लूंगा, तो व्हाट्स द पॉइंट. पर आपने वैल्यू क्रिएट की जो आपकी लेगेसी बन गई, एंड देन यू ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इट, प्रोडक्ट क्रिएट किया उसके बाद आपने, आपने एक किताब खड़ी कर दी, ये प्रोडक्ट तुमने अपनी लाइफ का क्रिएट कर दिया. मैं सब लोगों से ही बोलता हूँ कि तुम लोग ये ट्विटर फिटर में इतनी बकवास करते हो, और कोई लिख रहा है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, कोई ये लिख रहा है, कोई थ्योरी थ्रेड्स लिख रहे हैं, मैं कहता हूँ ये वेस्ट है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट, या तो तुम क्रिएट सम वीडियो मटीरियल्स रेगुलर बेसिस में, राइट अ बुक, राइट अ सॉन्ग, कुछ ऐसा करो जो कि प्रोडक्ट रह जाए, वही लेगेसी है, वरना क्या फायदा बकवास करने का, गॉसिप करने का. तो यू हैव डन दैट, सो आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्टेड संदीप. मैं इसीलिए मैंने तुमसे बात करी, और मैं आई वॉन्ट, जो हमारा आई एम बुद्धा, आई वॉन्टेड टू बी, हम बहुत काम करते हैं, मैं किसी को बताता नहीं हूँ बट बहुत करता हूँ. आई वॉन्टेड टू बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस तरह के, आपको भी अगर आप जानते हैं ऐसे और लोगों को, प्लीज़ लेट मी नो, मैं उनको आई विल कॉल देम एंड आई विल डू दैट, आई विल चैट विद देम. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू टेल your people who read you or anything, anything which is not in your book or we have missed in this conversation? Yeah, I strongly believe that, you know, if we do some small steps every day, actions every day, upstream work, life ka pain bahut kam ho jata hai. Neck ka pain. Life ka pain. Life pe pain jo hai. Neck ka bhi khatam ho. So life in the neck, as nahi bola jata, pain in the neck bhi khatam ho jata hai. Energy drainers chhootte jate hain aapki life mein, jo baggage log hai na wo chhootte jate hain. Jitna decision fatigue kam ho, eating almost, I eat almost similar food, similar clothes. So you're taking away meeting similar books, reading similar books, meeting similar people, you know. So you're not taking too many decisions which are going to change my life, you know. So I always say there is nothing new to be told in this world. There is nothing new to be written in this world. Everything possible has been documented, had been said actually. अब आपको 50 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं नॉलेज और बढ़ाने के लिए. We all know all, you know, what is good and bad. We have to take some action. You know, lot of people keep on reading and studying is just, you know, to knowledge, that's a way of avoiding action. बिना action के कुछ नहीं होता. Stay positive. You always, you know, you will find solutions always if you are, you know, looking at solutions. If you are always looking at problems, you will always see problems, you know. आप अगर कोई गाना पसंद करते हैं, FM में देखेंगे हर चैनल में वही बज रहा है. वही गाना हर समय बज रहा होता है. अगर आपको कोई गाना पसंद आ गया, कोई गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं, देखेंगे सड़क में वही गाड़ी दिखती है. दैट्स बिकॉज योर फोकस इज देयर. सो इफ यू फोकस ऑन सोल्यूशंस, यू विल फाइंड सोल्यूशन. इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, ये खराब है, वो खराब है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, यू विल गेट इन टू दैट रैट होल एंड यू विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नो, दैट्स द ओनली थिंग. आपको एक ही लाइफ मिली, एक बॉडी मिली है, पेन में क्यों रखना है, यू नो. इट्स सेल्फ लव इज फर्स्ट. यू हैव टू लव योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू लव योर फैमिली, योर यू नो नेबर्स, कंट्री. सबसे पहले तो अपने आप से शुरू होता है. खुद को प्यार करेंगे तो सब बढ़िया रहेगा. हाँ, मुझसे कोई कह रहा था कि एल्गोरिथम आजकल दे
आप एस्केप ही नहीं कर सकते हो नेगेटिविटी हेट को एल्गोरिथम से. मैंने कहा अपनी लाइफ के एल्गोरिथम ठीक कर लो, बाकी सब एल्गोरिथम ठीक हो जाती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और वो भी एक्चुअली मैंने देखा है, आप 10-12 वर्ड्स को म्यूट कर दो ना ट्विटर या सोशल मीडिया पे, अपने आप ही एल्गोरिथम ठीक हो जाता है. वो मेरे को पता नहीं था, मेरे को म्यूट्यूट से मुझे डर ये लगता था म्यूट करूंगा और सामने वाले को पता चल गया तो भाई देखो मैं सोशल लाइफ में हूँ, बहुत मेरा मैसिव सोशल लाइफ है तो बहुत लोगों को जानता हूँ. एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन. मैं किसी को ये, कई लोग हैं मेरे को बहुत इरीटेट करते हैं हर समय वही गाली गलौज, इसको यानी किसी ने कुछ बोल दिया गलत बेचारे ने तो उसी के पीछे पड़ जाए. तो अब मैं कह भाई ये तो बड़ी समस्या है, इनको म्यूट करूँ और पता चल गया. मुझे पता नहीं था पहले कि पता नहीं चलता है सामने वाले को, तो मैं बड़ी चिंता. बट देन व्हाट हैपेंड इज कि आई एम ऑलवेज हेल्थ फिलोसफी योगा ये देखता हूँ. आप अगर 4-5 अच्छे लोगों को खोल दो अगर उनका ट्वीट और 5-10 सेकेंड उनका 2-3 बार अगर कर दो, देन दे स्टार्ट शोइंग इट ऑन योर टाइमलाइन. मेरी टाइमलाइन नेचुरली चेंज हो गई है. मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स म्यूट कर रखे हैं. अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल बताओ सी, आई मीन से हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के नेम, यू नो ऑल दोस, कुछ एक वर्ड्स म्यूट कर जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं देता. सो उस टाइप की सारी न्यूज जितनी भी है वो गायब हो जाती टाइमलाइन से. अच्छा किसी भी ट्वीट में अगर चलो मैं भी ट्राई करूंगा. सो कुछ कुछ एक जो वर्ड्स मेरे को इंटरेस्ट नहीं करते, मतलब वॉट एवर फॉर वॉट एवर रीजन, नॉट दैट दे आर बैड और गुड, बट आई डोंट वॉन्ट माई टाइम टू गो इन दैट. सो वो मैंने म्यूट कर रखे, 15-20 वर्ड ही म्यूट कर रखे, तो वो फिर बड़ी शांति बनी रहती टाइम लाइन में. कोई ऐसा जो भी आता है हंसी मजाक लाइफ पॉजिटिव. हाँ यार एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं तो 2007 या 2008 से हूँ शायद, उसमें जब एकदम नया नया था ये, उस जमाने में ना रोज शाम को महफिल जमती थी ट्विटर में और गाने जोक्स वो सब कम हो गए, मस्ती होती थी और दिन भर जो है कुछ ना कुछ अच्छी बातें, यानी एक कूल लाइफ चल रही थी. आजकल इतना टेंस हो गया है. मुझे सिर्फ ये मॉडर्न पॉलिटिक्स से एक ही प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी सो टेंस कि आप अगर आप सुबह गुड मॉर्निंग लिखो ना तो कई लोग ऐसे भी मेरे ज्यादा कभी टाइम लाइन में ये भी लिखते हैं व्हाट्स गुड अबाउट टुडेज मॉर्निंग, क्या मतलब है वहां तो इतने लोग मर गए और यहाँ तो ये चल रहा है, आपको गुड लक. लोग इस लेवल के पागल हो गए हैं. ओके कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं, बस डाल दो. अच्छा आपने देखा होगा मैं टाइप करता हूँ विद इन 10 सेकेंड्स कोई आ जाएगा, ये फोटो आज सुबह देखो यहाँ पे ये भगवान वहां पे वो भगवान, कोई गाली गलौज कर रहा है. इट्स अ फनी वर्ल्ड. इसलिए मैं कहता हूँ अपने लाइफ के एल्गोरिथम चेंज कर लो एंड एवरीथिंग बिकम्स इररिलेवेंट. As I said, we are all have limited time. Yeah. 4,000 Sundays. So Sandeep, the biggest learning I got from you is 4,000 Sundays. और आज शाम को जाके रात को मैं सोने के पहले जरा कैलकुलेट करूंगा मैंने कितने संडे बर्बाद किए सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के भी. अब वो मत देखो आगे कितने बचे उसको कैसे करना है, वो तो डेड है, जो गया वो तो डेड हो गया. अब मैं मेरे दिमाग में छप गया ही, अब मैं आई विल एंश्योर कि अगले जो 100 संडे हैं मेरे वो मैं खुद के भी वेस्ट नहीं करूं. मैं करता भी नहीं हूं हालांकि, पर मैं खुद के नहीं करूं और दूसरों के भी ना करूं. आई थिंक दूसरों के नहीं करूं वो एक पुण्य का काम है और खुद के नहीं करो वो तो सेल्फिश काम है पर फायदा ही होगा. व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली. और एक कोशिश करो यार कभी अपने ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं ऐसी कभी हुआ तो कुछ कहीं रिट्रीट में कुछ ऐसे. आई डू इट ना, वी हैव इट ना एवरी ईयर. क्या करते हो? सो हम वी हैव ऑल द मेंटीज दैट आई हैव आई डू इन ऑफ साइट. अच्छा. सो पहला हमने ऋषिकेश में किया था, दूसरा हमने कलकत्ता में किया था, लास्ट अभी थर्ड काना में है दिसंबर में. अरे वाह. सो लाइक 40-50 ऑफ अस नेटवर्किंग इवेंट यूजुअली 3 days ऑफ. सो ऑल एवरीबॉडी ऑफ दिसंबर में. हाँ मेरी शूटिंग चल रही होगी नहीं तो मैं जरूर आता. जरूर, देखता हूँ अगर टाइम मिल गया कहीं कुछ हो गया. पर 12-15 दिसंबर है. सो देर ऑल लाइक टॉप एंटरप्रेनर्स ऑफ दिस कंट्री. एंड अच्छा नेक्स्ट टाइम प्लीज लेट मी नो, आई विल कम एंड जॉइन. एंड देन वी इनवाइट फ्यू स्पीकर्स ऑल्सो एक्सटर्नल and वो experience करते share को and it's like minded people together for 3 days, good friendship. Wonderful. चलो संदीप, wonderful talking to you. Thanks, nice talking to you. Yeah, it was wonderful to have you here. Yeah.